हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी वाला आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी वाला के इस चैनल पर तो so फ्रेंड्स आप सभी को अभी जो वीडियोस है जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो आपकी एनसीआरटी इंपॉर्टेंस वाली उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अभी स्टार्टिंग के 15 डेज आपको स्ट्रेटजीज वीडियोस मिल रहे हैं देन आफ्टर नवंबर आपको जो बाकी वीडियोस है लेक्चर्स है वो सब प्रोवाइड होंगे सो so पहले आपको ये जरूरी है कि इन 15 डेज में इवन हम ये समझे कि आखिर यूपीएससी जो है वह क्वेश्चन किस तरह से पूछता है यूपीएससी का नेचर क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है एनसीआर की इंपॉर्टेंस क्या होती है न्यूज आपको कैसे रीड करना है ठीक है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में आपको किसे चूज करना है एंड ऐसे बहुत सारे मन में ऐसे सवाल होते हैं जो कि एक स्टार्ट करने वाला स्टूडेंट जिसने जस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसके मन में होते हैं सो सबसे पहले हम यही समाधान आपका कर रहे हैं सो so इसी सीरीज में आज मैं आप सभी से सिलेबस ट्रेड एंड पैटर्न पर जो डिस्कशन है वह करूंगी तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिलेबस की ट्रेंड की पैटर्न की तो so, हमें आखिर क्या इस पर ऐसा डिस्कशन हमें क्या इसको आ, ऐसा निष्कर्ष एक निकाल सकते हैं कि आपकी यूपीएससी को समझने में उसके पैटर्न को समझने में सब्जेक्ट वाइज क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है ये समझे हम सो so, दो तरीके हो सकते हैं कि हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो पीवाई है हम इसका थोड़ा सा एक नंबर देख लें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह कैसे आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए हैं एक तरीका हो सकता है सेकेंड आपको पीवाईक्यू से ही पता चल जाता है कि इसमें जो नेचर है वह क्या है नेचर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हम इससे समझ जाते हैं सिलेबस से कि पीवाईक्यू से कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट uh, है ये उससे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे इस तरह से जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है सो so, अगर हम इन सब चीजों का एक एनालिसिस करें तो so, आप यूपीएससी के पैटर्न को ट्रेंड को इजीली समझ पाते हैं ठीक है सो देखो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो फिलिम्स की स्ट्रेटजी है सब्जेक्ट वाइज क्या ट्रेंड रहा सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवाट इकोलॉजी साइंस टेक करंट अफेयर क्या ऐसा वेटेज है सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं कैसे क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं इस पर डिस्कशन कर ले सो so, आप जो है वह पीटी के पैटर्न को काफी हद तक इस वीडियो डिस्कशन के बाद समझ जाएंगे देन सेकंड इज मेंस जीएस पेपर एनालिसिस तो जो जीएस के पेपर्स है इसमें सिलेबस चूंकि अब तक सिलेबस जो डिस्कशन है वह नहीं हुआ पिछले वीडियोस में सो so आपके लिए सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप टॉपिक्स को समझ जाएंगे कि अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं हमें सिलेबस में ये जो टॉपिक है वह दिया हुआ है हमें उसको पढ़ना है हमें उसे कवर करना है उसका स्टेटिक करंट अफेयर सब चीजों को कंपाइल करके ठीक से करना है सो देट्स वाई कि अगर हम सिलेबस को डिकोड कर ले सिलेबस देखो आपको याद होना चाहिए I'm <laughs> sorry. इस क्लास के बाद मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं कि आप सिलेबस को याद कर लेंगे सिलेबस को दो तीन बार लिखिए आधी चीजें आपको समझ में अपने आप आ जाएंगी कि अच्छा न्यूज़पेपर में आज जो है वह ये स्कीम लेटेस्ट uh, जो है वह इसका इनोग्रेशन हुआ है इसके ये ये टर्म्स हैं आपको ये याद करने तो आप समझ जाएंगे कि आपको इवन करंट अफेयर में इस टॉपिक को जो है वह पिक करना है इस टॉपिक से आपको नोट्स बनाने हैं इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक का जाके आपको बेसिक देखना है तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट करंट अफेयर ट्रेंड करंटेयर फिर अगर आप देखेंगे सो आपको बहुत ज्यादा इसका मिल जाता है, आप देखेंगे कि एक पॉइंट जो है वह स्टैटिक का होता है दो सेंटेंस आपके करंट अफेयर के हो जाते हैं सो बिना स्टैटिक से को किए हुए हम करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वह भी नहीं कर पाते हैं सो हम करंट अफेयर का जो ट्रेंड है करंट अफेयर के कर अगर देखिए बहुत बड़ी क्लासेस तो मैं नहीं लूंगी इस इस वजह से हर एक चीज को हम ठीक तरीके से एनालिसिस बहुत डिटेल में नहीं कर पाएंगे सो यहां पर हम मैं लास्ट ईयर ईयर का ही आपसे डिस्कशन करूंगी कि फाइव में इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं सो आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी है वह इस तरह से आगे बनानी है मेन्स जीएस पेपर का क्या ट्रेंड रहा जीएस पेपर्स की जब हम बात करेंगे मेन्स में आपके जो फोर पेपर्स होंगे ठीक है इसमें आखिर क्या ट्रेंड है किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस आ, पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन उसका नेचर क्या है और कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करूंगी और कितने वर्षों में पिछले अगर हम वर्षों की बात करें टेन ईयर्स की बात करें किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार हम उन्हें देख लेंगे ठीक है चलिए सो शुरू करते हैं सो सबसे फर्स्ट आ, जो शुरुआत है फिलिप से करते हैं कि पी में अगर हम देखें फ्रेंड्स सो थर्टीन से लेकर 2013 से लेकर 2022 तक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमी एनवायरमेंट ज्योग्राफी साइंस टेक हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पॉलिटी एंड करंट अफेयर से आए हुए हैं ठीक है so, देखो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी का तो so, देखो फ्रेंड्स थर्टीन में अगर हम देखें तो एटीन क्वेश्चन थे देन आप देखेंगे कि टेन फिर फिफ्टीन में ट्वेंटी वन 16 में 29 अच्छा जानते हैं आप कि ये यहाँ पर जो ये 29 आपको दिख रहा है तो इसमें जो स्कीम्स वाला पोर्शन है वो समटाइम्स हम इसमें ऐड कर देते हैं है ना तो इकोनॉमी में इस वजह से आपको

25, 28, 23, 14 20. So, एक बात तो हम समझ गए कि इकोनॉमी में अगर यहां पर आपके हंड्रेड क्वेश्चन जीएस में पूछे जा रहे हैं एंड इस हंड्रेड में से एक एवरेज पॉइंट हम बनाते कि ट्वेंटी जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी से आ रहे हैं So then, हमें इससे क्या पता चलता है कि इकोनॉमी एक वेट रखता है इकोनॉमी का जो वेटिज है वह ठीक ठाक है सो हमें इसे ठीक से प्रिपेयर करना है क्लियर हमें क्या करना है इसे ठीक से प्रिपेयर करना है देन सेकेंड वन इज एनवायरमेंट अब देखो जब हम environment की बात करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करेंगे सो so यहां पर देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ट्वेंटी थर्टी दो हजार तेरह से शुरू करें टू थाउजेंड थर्टीन से अब मैं आपको एक बात बताती हूं कि 2030 में चूंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है ठीक है जो भारतीय वन सेवा है उसका मर्जर हो गया था और उसके बाद से यूपीएससी में आ, आ, जो वहां से यूपीएससी में ये वाला जो पोस्ट है ये एग्जाम लेने लगा था ठीक है यूपीएससी एग्जाम लेने लगा था सो दैट्स वाई कि अगर यहां पर फॉरेस्ट की बात होगी फॉरेस्ट सर्विस चूंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और सिविल सर्विस में उसको ऐड कर लिया है तो फॉरेस्ट वालों से क्या उम्मीद हो सकती है कि उसमें जो भी कैंडिडेट हो वो इवन एनवायरनमेंट की ठीक ठाक जानकारी रखते हो सो so देउजेंड 2013 के बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन जो है उसका वेटेज बढ़ गया इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया ठीक है so, सो देखो 17 क्वेश्चन 13 में 28 2014 में 15 में 22 क्वेश्चन ठीक है 16 में 21 17 में 14 देन आप देखेंगे कि लगभग अगर हम इसका भी एक एवरेज बना ले ठीक है तो देखो यहां पर भी आपको लगभग ये है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहां से हर साल मिल जाते हैं तो ऑन एन एवरेज ऑन एन अगर हम देखें तो इकोनोमी एनवाइ ठीक है एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपने इन दोनों को ठीक से प्रिपेयर किया है तो लगभग मैं ये नहीं कह सकती कि यहां से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप 101 परसेंट उसको सॉल्व कर लेंगे हो सकता है जो रेंडम क्वेश्चन होते हैं वो हमसे सॉल्व ना हो किसी से सॉल्व ना हो ठीक है तो यहाँ पर एक दो अगर हम रैंडम क्वेश्चंस को छोड़ दें मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर हम इन दो का निकाल लें इकोनॉमी का एंड एनवायरमेंट का जो कि मोस्टली बच्चे जो है कि आपने पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कर लिया बट ये जहाँ एक वेट आपको दिख रहा है लेकिन आप चूंकि ट्रेंड नहीं समझ पा रहे हैं आपने बैलेंस नहीं बनाया बैलेंस नहीं बना पाया केवल पॉलिटी करके जा रहे हैं केवल हिस्ट्री करके जा रहे हैं तो इसका बेसिकली जो कॉस्ट बेनिफिट है आपको उतना नहीं हो पाएगा है ना सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इकोनॉमी एनवायरमेंट इन इंपॉर्टेंट है इसे हमें ठीक से कवर करना है ठीक है so, सो यहां पर देखो सो एनवामेंट इंपॉर्टेंट देन हम जोग्राफी पर आते हैं समटाइम्स so, आप देखेंगे कि एनवायरमेंट जो है एक तो इसमें आपको बेसिक टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट सेम आपको इकोनॉमी का है इकोनॉमी एनवायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं जो करंट अफेयर के इश्यूज हैं ज्यादा पूछे जाते हैं सेम वही है इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट में ये इसका ट्रेंड है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे सो so आपको दो बातें पता चलेंगी लाइक like, इकोटोन क्या है ये पूछ लिया ठीक है इकोटोन क्या है यहां से क्वेश्चन आ गया किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया और नेक्स्ट हम बायोस्फीयर जो वर्ड है वह क्या है डेफिनेशन इसकी क्या है ठीक है सेम आप देखेंगे कि uh, जैसे इकोनॉमी है सो so इकोनॉमी में जब बैड बैंक इंट्रोड्यूस होता है सो बैड बैंक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है ठीक है इन्फ्लेशन हाई लो होना इसके क्या इफेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं देखो अब अब मैं जोग्राफी की बात करूंगी सो so जोग्राफी और एनवायरमेंट में आप देखेंगे कि समटाइम्स जो क्वेश्चन है वह ओवरलैप हो रहा होता है और इसमें एक पॉइंट आपको एनवायमेंट का मिल जाएगा एक नेशनल पार्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको उसमें ज्योग्राफी का जो टर्म है जो क्लाइमेट है उस नेशनल पार्क की वो भी पूछ लिया सो so यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वे समटाइम्स सेपरेट नहीं होते कि ये जोग्रफी एंड ये आपका एनवायमेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि एनवामेंट और एनवामेंट जो है वह ज्योग्रफी जो जो के क्वेश्चन को ओवरलैप कर रहा है ठीक है सो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों को Merge करके भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं so, तो, uh, तो देखो जो है बढ़ गया समटाइम्स जो है फ्लक्चुएट हो होते रहते हैं यहां पर आप यह ना सोचे कि नहीं इस बार भी पंद्रह क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए ठीक है ऐसा नहीं होता तो समटाइम्स हो सकता है कि सेवन क्वेश्चन आए समटाइम्स हो सकता है 49, तो यहां पर जो वेटेज है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह बदलते रहते हैं ठीक है ठीके? बट हां हाँ, हमें एक जो अपनी तैयारी है वह इस हिसाब से करनी है कि जहां का वेटेज है जहां से क्वेश्चन आते हैं इवन वो जो पोर्शन है वो जो सब्जेक्ट है वो आप काफी स्ट्रॉन्ग कर लें नेक्स्ट देखो साइंस टेक की हम बात करते हैं सो साइंस टेक में आपके बेसिक टर्म्स के साथ साथ आप देखेंगे कि uh, जो करंट अफेयर है ये रिलेट करके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एक तो हो गया आपका इकोनॉमी एड सेकंड में कहूं साइंस टेक ठीक है तो यहां से क्या है आप देखें करंट अफेयर में जैसे मान लीजिए कोई नई टेक्निक आती है जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा कि अब 3G 4G नहीं वहां पे वोल्टी लिखा हुआ है सो so, यूपीएससी ने वोल्टी से क्वेश्चन पूछा जब ब्लूटूथ आता है सो so यूपीएससी ने जो है वह ब्लूटूथ से क्वेश्चन पूछा ठीक है अब देखो अब फाइव जी इंट्रोड्यूस हुआ है यहां से क्वेश्चन जब एलईडी बल्ब आता है वहां से क्वेश्चन कि उसकी क्या तकनीक है तो समटाइम आप देखेंगे कि साइंस एंड टेक में एक जो सेंटेंस है वह बेसिक कॉन्सेप्ट का है कि क्या आप उस पर्टिकुलर टेक्निक को समझ रहे हैं देन सेकेंड वन इज कि क्या आप उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझ रहे हैं जैसे कि अगर एलईडी का क्वेश्चन आ गया ठीक है एलईडी का क्वेश्चन आ गया या फिर आप देखेंगे कि अभी

इसकी जरूरत होती है बिकॉज़ ऑफ यूपीएससी आजकल जो क्वेश्चन पूछ रही है इवन आपको डायरेक्ट किसी बुक से नहीं मिलेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जो कॉमन सेंस है वो यूज करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है ठीक है वो कहां पर हो सकता है एंड इसका जो एप्लीकेशन है वह क्या होगा इसके क्या इफेक्ट्स होंगे तो जब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं अगर आप करंट अफेयर से अपडेट रहते तो कहीं ना कहीं आपको ये जो टेक्निक है उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने मिल जाता है ठीक है सो पर देखेंगे आप कि लगभग ऑन एवरेज की हम बात करें 13, 9, 10, 6, 13, 11, 19 में, और ट्वेंटी ट्वेंटी में यहां से टेन क्वेश्चन पूछे गए तो साइंस टेक एक ऐसा आपका एक स्टेबल पोर्शन है जहां से टू क्वेश्चन जो है वह एवरी ईयर आते हैं ठीक है थीके? अब देखो मैं आपको ना एक क्वेश्चन इसका दिखाती हूं साइंस एंड टेक का मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूं देखो साइंस एंड टेक एक ऐसे स्टेबल पोर्शन पहले बताया मैंने कि आपको लगभग सेवन से लेकर टेन जो क्वेश्चन है वह हर साल मिल जाते हैं और यहां पर ट्वेंटी का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी कि यहां पर आपसे जो क्वेश्चन है ठीक है वह नैनो पार्टिकल के बारे में पूछा और यहां पर जो तीन सेंटेंस थे एक आपका फैक्ट था एक फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट था और थर्ड में जो है वह इसका एप्लीकेशन पार्ट था तो इस तरह से आप देखेंगे कि केवल आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं पढ़ना है कि केवल आपने देख लिया कि जो नैनो पार्टिकल्स है ये क्या होते हैं इसके साथ आप प्लस करेंगे इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है ठीक है कि कहाँ आखिर इसका यूज हो सकता है इसके जो इफेक्ट्स हैं वह क्या है है ना तो ये सारी जो चीजें हैं सो बेसिक प्लस आपको एप्लीकेशन जो पार्ट है वह हमेशा ऐड करके पढ़ना है फॉर साइंस टेक क्लियर नेक्स्ट देखिए अब देखो हम हिस्ट्री की बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर इसमें शामिल है ठीक है तो हिस्ट्री में मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपका जो हिस्ट्री है एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर तो समटाइम्स आप आर्ट एंड कल्चर के अलग से भी पढ़ते हैं बाकी आप देखेंगे कि एंशियंट एंड मिडाइवल में जो भी काल चल रहा है मान लीजिए गुप्ता पीडियड है या फिर मुगल काल है उस समय क्या कल्चर था आप तब भी पढ़ते हैं इस चीज को तो वो कल्चर आप अलग से भी सारा तैयार कर सकते हैं और साथ साथ जो आपको मिल रहा है आपको पता है आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ रहा है ठीक है तो वहां से आपको तैयार करना है देन अगर हम हिस्ट्री में एंशियंट से बात करें कि यहाँ से मिडाइवल एंड मॉडर्न से कौन कौन से जो क्वेश्चन है कौन कौन से जो टॉपिक्स है वह इंपॉर्टेंट है ठीक है और हर साल यहाँ से आप एक रेशियो देखेंगे कि मान लीजिए एनशियंट से जो है वह फोर मार्क्स फोर क्वेश्चन आए मिडाइवल से जो है वह फोर या फाइव आए ठीक है ठीके? ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है मान लीजिए फाइव आए या इस बार थ्री आ गए यहाँ से फाइव आ गए और मॉडर्न से जो है इससे आप इसका वेटेज ज़्यादा है एट क्वेश्चन आ गए टेन आ गया ट्वेल्व आ गया, गया ठीक है तो इस तरह से हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सो देखो थर्टीन में फिफ्टीन क्वेश्चन आते हैं तो आप जब इसमें एक बेनिफिट देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट जब देखते हैं तो आपको मॉडर्न का जो वेटेज है वह ज्यादा लगता है कि जितने क्वेश्चन एंशियंट से आए या मिडाइवल से आए दोनों को मिक्स अगर जोड़ दिया जाए तो उतने मॉडर्न से आ जाते हैं तो मॉडर्न का वेटेज इसमें डेफिनेटली ज्यादा है ठीक है सो आर्ट एंड कल्चर की हम अलग से भी आगे बात करेंगे फिफ्टीन <coughs> में देखो फोर्टीन क्वेश्चन आए सेवनटीन फोर्टीन ट्वेंटी ये सारा पीडीएफ आपको दिखाई देगा ठीक है मिलेगा उसमें आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि 2022 में लगभग यहाँ से 15 क्वेश्चंस जो है वह आए हुए हैं ठीक है फिफ्टीन क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो शायद एट या नाइन क्वेश्चन जो हैं ये आपके मॉडर्न के थे ठीक है फोर और फाइव आपके जो है वह के थे और इतने ही आपके मिटाईवल के थे तो ये आपका हिस्ट्री का वेटेज रहता है अब आगे हम चलते हैं पॉलिटी है ना सबका फेवरेट है थोड़ा सा जो इजी लगने वाला सब्जेक्ट है तो so, देखो पॉलिटी में एटीन क्वेश्चन थर्टीन में क्वालिटी <coughs> में एटीन क्वेश्चन थर्टीन में ठीक है फोर्टीन में इलेवन 12, सिक्स देखो सिक्सटीन में जो है वह सिक्स क्वेश्चन ही आए तो समटाइम्स क्या होता है कि हो सकता है कि आप केवल पॉलिटी पढ़ के गए कि चलो यहाँ से मुझे पंद्रह क्वेश्चन मिल जाएंगे ये मैं सॉल्व कर लूंगा कर लूंगी जोग्रफी से मुझे क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है और आपको इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको लगभग फिफ्टी क्वेश्चन जो है आप ठीक से कर पाएंगे है ना आपको होगा कि लगभग अगर आपने देखेंगे आप पिछले पांच से सात वर्ष तो लगभग हंड्रेड से लेके वन टेन है ना हंड्रेड से लेके वन टेन जो मार्क्स है इतने में आपका प्रलिम्स क्लियर हो जाता है जीएस तो यहां पर देखो कि समटाइम्स यहां से केवल सिक्स क्वेश्चन ही आए अब क्या हुआ अब आपकी जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है वह तो फेल हो गई So, यहां पर फ्रेंड्स आपको एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है हर एक सब्जेक्ट में आपको यह मानकर चलना है कि हो सकता है कि पॉलिटी से मुझे ट्वेंटी क्वेश्चंस भी मिल जाए यह भी हो सकता है कि पॉलिटी से मुझे केवल फाइव क्वेश्चंस मिले सो so, हमें एक बैलेंस अप्रोच रखनी है और यहां पर जो भी यूपीएससी एस्परेंट है एक बैलेंस बनाकर चलेंगे सभी सब सब्जेक्ट्स के बीच में क्लियर सो so, देखो सेवेंटीन में कितने क्वेश्चन आए सिक्स अब अगर आपने ऐसा एनालिसिस कर लिया कि केवल आपने वन ईयर का मान लो एनालिसिस किया क्या कि में क्वेश्चन आए चलो पॉलिटी को छोड़ देते हैं है ना और अगले साल देखो क्या हुआ नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी टू क्वेश्चन आ गए अब 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 अब, अब क्या होगा सो so, इसलिए आपको ट्रेंड जो भी आप पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं आप इवन थोड़ा सा एक लंबे लॉन्ग टर्म का देखें कि आ, एवरेज ऑन एवरेज टेन ईयर का तो कम से कम आप एनालिसिस करें ठीक है चलो सो आगे देखें हम हाँ, 2022 में 2022 में 10 क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिख रहा है सेवेंटीन में है ना कि सेवनटीन में लगभग बाईस क्वेश्चन जो है वह आए हुए देखो एटीन क्वेश्चन तो लगभग हम हाँ इसका भी एवरेज मान लेते हैं कि लगभग फिफ्टीन से लेके 20 तक का जो एवरेज है वह पॉलिटिक्स से आपको मिल जाता है ठीक है सो ये है आपका जीएस। अब आप सोचेंगे कि मैम करंट अफेयर करंट अफेयर का आपने डिस्कशन नहीं किया उसके लिए मैं अलग से थोड़ा सा कर लेती हूँ डिस्कशन आपसे ठीक है देखो अब हम करंट अफेयर की बात करें और देखो 2021 ट्वेंटी uh, वन में लगभग 27 सेवन क्वेश्चन केवल करंट अफेयर नहीं पढ़ना है आप अगर इस आंकड़े को देखें इस डेटा को देखें कि 2021 में 27 सेवन क्वेश्चन जो है वह करंट अफेयर से आए हुए हैं आप देखेंगे कि इसमें इंटरलिंकिंग थी जो आपके स्टैटिक पोर्शन है उससे जोड़ते हुए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन लाइक like आपने पॉलिटी uh, का एक सेंटेंस लगा दिया देन उसके बाद आप देखेंगे कि कोई लेटेस्ट बिल आया था उसका एक सेंटेंस हो गया आपने करंट अफेयर में काउंट कर लिया तो समटाइम्स आप देखेंगे कि करंट अफेयर जो है उसका वेटेज ठीक ठाक रहता लग है लगभग ट्वेंटी क्वेश्चन हम ऑन एवरेज मानकर चलते हैं लेकिन हमेशा इस एक तरीका होता है करंट अफेयर पढ़ने का जैसे कि आप देखेंगे कि आपने लोकसभा स्पीकर ठीक है आप देखिए द हिंदू में कई आर्टिकल्स जो है वह लोकसभा स्पीकर और इसकी शक्तियों को लेकर पावर्स को लेकर आए कि ज्यादा जो शक्तियां हैं वह दी हुई हैं लोकसभा स्पीकर को लेकर या फिर रिसेंटली आप देखेंगे कि जो प्रियम का मुद्दा है ये चल रहा है ठीक है जो प्रियमबल का मुद्दा है प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना का मुद्दा चल रहा है कि इसमें जो बंधुत्व शब्द है ठीक है ये सारे जो वर्ड है इसका अर्थ नहीं है क्या उसमें चेंज किया जाना चाहिए तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि आपको जैसे ही करंट अफेयर में आपने प्रियम्बल पढ़ा हो सकता है कि आपको मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन इससे मिल जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे यहां से पूछा जाएगा लेकिन चूंकि वह करंट अफेयर में चर्चा में था करंट अफेयर में उसका रेलेवेंस था करंट इश्यू था आपसे वह मेन्स में पूछा गया सेम की बात करें कि देखिए पीटी में फिर आपको क्या करना है आपको इसका बेसिक जो है वह कवर कर लेना है फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री का बताती हूँ कि लेटेस्ट आप देखेंगे कि जो धोला है आई जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन रिसेंटली चर्चा में रहा और यहां से जो क्वेश्चन है इस बार पूछा गया उसके वाटर जो उसका ड्रेनेज सिस्टम था वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया रिसेंटली 2022 की बात है है ना सो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है करंट इशू अगर था उसका बेसिक आपसे पूछ लिया गया ठीक है, so, इस तरह से आपको करंट अफेयर में जो भी टॉपिक्स है उसका बेसिक जरूर तैयार करना है लाइक like हम आरबीआई की मॉनिट्री पॉलिसी सबका एक एक टॉपिक में आपको बता देती हूं आरबीआई की अगर आपने अगर हम यहां पर जो मॉनिट्री पॉलिसी है ठीक है इसकी बात करें तो यहाँ आपको देख लेना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या इसका करंट रेलेवेंस है करंट अफेयर में क्यों चर्चा में थी ठीक है और साथ ही अगर इसमें कोई नई स्ट्रेटेजी आरबीआई के द्वारा अपनाई गई ठीक है तो ये सारी चीजें हमें कवर कर लेनी है आगे देखो 2020 में 18 क्वेश्चन थे 19 में 22 थे 14 थे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेटेज है आफ्टर टू uh, इसके बाद से वेटेज जो है वह थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना एटीन में देखो फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्सटीन में फिर देखो सत्ताईस क्वेश्चन थे ठीक है जितने कि आपका दो में थे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन एंड एवरेज अब देखो 13 में समटाइम्स बेसिक ऐसा नहीं है कि आया नहीं है 13 में आया होगा बट वह यह है कि हमने उसे काउंट कर लिया होगा क्वालिटी में या फिर आपके स्टैटिक पोर्शन में है ना सो so यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे कि करंट अफेयर का जो रेलिवेंस है वेटेज है ठीक ठाक है है ना सो करंट अफेयर आपको पढ़ना है करंट अफेयर में और जो भी करंट इशू रहा उसको जस्ट आपको स्टैटिक में जाके देख लेना है नोट्स बना लेने पढ़ लेने हैं तो यहां पर बेसिकली आप देखेंगे करंट अफेयर जो है क्या करता है आपके कोर सब्जेक्ट से ओवरलैप करता है साथ ही आपको एक ऐसा करंट अफेयर का अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली प्रपोर्शनली इंक्रीज हुआ है इसका जो वेटेज है और इसको हमेशा आप देखेंगे कि कोर सब्जेक्ट से कवर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है तो देखो हमने साइंस टेक की भी स्पेशली बात कर ली कि कैसे क्वेश्चन आते हैं फिल्म में हमने देख लिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आए हुए हैं थर्टीन से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक सो so ये हमने यहां पर पीटी का डिस्कशन किया देन देखो आगे में आपसे यूपीएससी पी का जो सिलेबस है आपका फिल्म में जी पेपर वन का है ना सो so इसका मैं थोड़ा सा आपसे सिलेबस डिस्कशन जो है वह करूंगी तो so देखो सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट आपको हिस्ट्री में क्या लिखा होता है हिस्ट्री में राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करते हैं पहले कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं किसी से नहीं, नहीं, किसी ने नहीं सोचा था कि स्पोर्ट्स से यूपीएससी तीन क्वेश्चन पूछ लेगा आप देखेंगे कि आई थिंक 21 में 22 में जो कुछ क्वेश्चन है वह सीधे स्पोर्ट्स से आ गए ठीक है या फिर कभी यूपीएससी जो है वह अवार्ड से पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं पूछता था वहां से पूछ लिया क्वेश्चन तो अब इस तरह के अगर रेंडम क्वेश्चन आ गए इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको उम्मीद नहीं थी तब आप इसके लिए क्या करेंगे है ना तो ये सारी चीजें भी आपको सोचनी है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामिक घटनाएं करंट इवेंट और बेसिकली आप जब करंट इवेंट्स में देखेंगे तो आईआर जो है यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं लाइक like आप देखेंगे कि देखो जैसे जी ट्वेंटी से क्वेश्चन पूछ लिया कि जी ट्वेंटी के मेंबर्स में कौन कौन शामिल है कौन कौन नहीं और ये ट्रेंड पहली बार नहीं है इसके पहले भी क्वेश्चन इस तरह से आ चुके हैं सार्क कंट्रीज पूछ लिए ठीक है आपसे विम्सटेक जो है ये पूछ लिया विम्सटेक का पूछ लिया सार्क के बारे में पूछ लिया कि इसमें जो कौन कौन सी कंट्रीज है वह शामिल है या फिर कोई ऐसा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है क्या इंडिया इसका सदस्य है क्या जो इंडिया है वह इसका मेंबर है या नहीं है यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो आप जब लेटेस्ट आप फाइव ईयर के क्वेश्चंस देखिए सारी चीजें मैं डिस्कस कर पाऊं डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है यूपीएससी का ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ईमानदारी की बात यही है फ्रेंड्स कि वन आवर में नहीं बता सकते आपको खुद से भी मेहनत करनी है यहाँ पर केवल मैं एक दिशा दे सकती हूँ और कुछ जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ तो पॉसिबल नहीं है कि वन आर में मैं यूपीएससी का पूरा ट्रेंड पैटर्न आपको जो है मैं बता दूँ और ईमानदारी से शायद ये चीज़ कोई भी नहीं कर सकता तो यहाँ पर आपको खुद भी मेहनत करनी है आप सोचेंगे कि मैं पूरे टेन ईयर के आपको क्वेश्चन दिखा दूँ क्वेश्चन के बाद ये फिर पैटर्न समझाऊँ वो पॉसिबल नहीं है ना सो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क भी साथ साथ देती हूँ क्योंकि आपको क्या करना है आपको एटलीस्ट फाइव ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको फिल्म के देखने हैं यहां से आपको मिलेगा कि लाइक like इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है इंडेक्स से आप देखेंगे 2018 से एक जो क्वेश्चन है वह आ रहा है हर बार कि जैसे आ गया कि जो आ, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वह किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ठीक है आप देखेंगे कि किस तरह से जो आईएमएफ है उसकी कौन कौन सी रिपोर्ट है या फिर आउटलुक इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा पब्लिश की जाती है इस तरह के क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे सो so, यहाँ पर इंडेक्स से एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे हर साल बस यही ट्रेंड है कि आपको पता चल गया कि इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं देना पढ़ लो ठीक है अब देखो अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट भारत के इतिहास एंड राष्ट्रीय आंदोलन आप इस लाइन को शायद ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमने इसको पढ़ लिया लेकिन भारत का जो इतिहास है है तो में भी भी आपको आपको पढ़ना उस पर बराबर बैलेंस बनाना है और ज्यादा नहीं तो उसके लिए इवन आप NCRT को जो है वह प्रिफरेंस देकर एनसीआरटी एक बार कवर कर लो ठीक है तो यहाँ पर आपको एनसीआरटी से जो है अपना एनशियंट मिडाइवल कंप्लीट कर लेना है काफी क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाते हैं नेक्स्ट देखो भारत एवं विश्व का भूगोल भारत और विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल ठीक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड So, यहाँ आप देखेंगे कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है वह किस तरह से आते हैं क्या पैटर्न है आप देखेंगे कि करंट अफेयर से भी जो रिलेट करके ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों आखिर जो चक्रवात है उनकी बारम तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह क्यों बढ़ रही है ठीक है रिसेंटली आप देखेंगे कि जो ग्लेशियर्स है वह पिघल रहे हैं उसकी वजह से कई जगह पर बाढ़ आ रही है आपदाएं आ रही डिजास्टर हो रहा है कैसे उसको कंट्रोल किया जाए आप देखेंगे कि जो हिमालय में जो लैंडस्लाइडिंग है भूस्खलन है चूंकि हिमालय युवा पर्वत है ना हिमालय क्या युवा पर्वत है और इसलिए वहां पर अभी भूकंप भी काफी आते रहते हैं तो ये पिलिम्स में भी पूछा गया एंड मेन्स में इसको पूछ लिया आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट में कि कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे तो एक ट्रेंड जो आप जनरली देखते हैं कि जो पिलिम्स में पूछा है आगे या पीछे सेम ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या तो फिल्म में या मेंस में आया हुआ था है ना तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट है तो जब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जोग्रफी में कहां से ज्यादा क्वेश्चन जैसे मैं एक आपको बताती हूं रिवर सिस्टम ठीक है आप देखेंगे कि रिवर सिस्टम में एटीन नाइनटीन ट्वेंटी क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी ट्रिब्यूटीज पूछा गोदावरी जो बेसिन है गोदावरी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटीज के बारे में उसके जो सहायक ने दिया है वहां से क्वेश्चन आए है ना सो यहां पर आपने देख लिया कि भाई एक ट्रेंड है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं अब नेक्स्ट देखो हम पॉलिटी की बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशंस पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज और इसमें आप देखेंगे कि पंचायती राज से फिल्म एंड मेन्स आल्सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी राइट इश्यूज देखो स्पेशली आप देखेंगे कि राइट right इश्यूज से हर बार एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं इवन आई थिंक 2019 में यहाँ से थ्री या फोर क्वेश्चन जो है वे आए हुए हैं राइट टू प्राइवेसी की हम बात करें ठीक है हम फ्रीडम की बात करें इक्वलिटी की बात करें सभी से क्वेश्चन जो है वह पूछे गए हैं ठीक है रिसेंटली आप देखेंगे आर्टिकल 17 से क्वेश्चन आया हुआ था कि वह किस आर्टिकल में है किस फ्रीडम में किस फंडामेंटल राइट uh, right में जो अन uh, टचेबिलिटी है, है तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया सो so, पर देखो कि इंडियन पॉलिटी में जो भी रिसेंट इशूज हैं वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं रिसेंट इश्यूज के साथ साथ यूपीएससी जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को लेके कोई वर्डिक्ट दिया ठीक है कोई निर्णय दिया कि जैसे आप देखेंगे कि आधार कार्ड को लेकर प्राइवेसी का जो इशू है वह एक लंबा इशू बना रहा एक से दो साल तक और वहां से यूपीएससी ने जो क्वेश्चन है वह पूछ लिया तो यहां पर देखेंगे आप कि इसका बेसिक बेसिक में आप देखेंगे कि फिलिम्स में देखिए मैं दोनों की बात कर रही हूं क्योंकि अभी मेंस के जब डिस्कशन करूंगी तब मैं फिलिम्स की भी बात करूंगी बिकॉज ऑफ आप सेपरेट तैयारी नहीं करते हैं आपका जो अप्रोच है फ्रेंड्स इस ट्रेंड को समझते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए लाइक like, अगर आपने बायोस्फियर रिजर्व को प्रिपेयर किया है फॉर फिलिम्स तो वहां से आपसे आप फैक्ट पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा जस्ट आपको टिक लगाकर आ जाना है सारी इंफॉर्मेशन एंड आंसर आपके सामने होते हैं फिल्म में सबसे अच्छी बात ये होती है हमें उसमें पहचानना है है ना और जीएस में क्या जब आप मेंस की बात करेंगे देन आपको लिखना होता है सो वो चीज है कि आपको याद कितने पॉइंट आ रहे हैं आपने आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वह कितनी की हुई है है ना सो यहां पर देखो कि अगर हम पॉलिटी में देखें कि आखिर क्या करंट इश्यूज है सुप्रीम uh, कोर्ट के जो वर्डिक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म में आ गया सीधा कि हाल ही में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो आपके किस आर्टिकल से संबंधित है है ना यहां से क्वेश्चन आ गया मेन्स में वही चीज आपको ठीक तरीके से एलिब्रेट करने के लिए आ गई उसकी व्याख्या करने के लिए आ गया कि मान लीजिए राइट टू प्राइवेसी का जो हाल ही में मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह डिसीजन लिया तो इसमें आपको क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वह दिखाई देते हैं या फिर आपको आपकी क्या इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अप्रोच है जैसे अभी हिजाब विवाद जो है वह काफी चर्चा में है तो हिजाब में जो है आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 ठीक है आर्टिकल आपका क्या 15 आ रहा है 25 आ रहा है ठीक है और जब हम आप इस पे एथिकल एंड मोरल इश्यूज देखेंगे तो आपका जीएस पेपर फोर से भी क्वेश्चन आ सकता है हिजाब को लेकर है ना धर्म से जोड़ते हुए ये जो क्वेश्चन है वह आ सकता है राइट टू इक्वालिटी से जोड़कर आपको जो यह क्वेश्चन है वह आ सकता है तो बेसिकली हमारी जो अप्रोच है कि करंट अफेयर में जो भी इश्यूज है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से कहां पर को रिलेट कर रहे हैं दैट आपको वही तुरंत नोट्स बना लेने हैं ठीक है ठीके? जैसे कि मैंने हिसाब का आपको बताया कि रिसेंटली काफी इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो अपना डिसीजन है आप देखेंगे कि रिसेंटली मैं एक हिंदू आर्टिकल पढ़ रही थी उसमें लिखा हुआ था कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन है उस पर रोक दिया है है ना क्योंकि एक एक डिसीजन जो एक हम कहें कि इसमें हाई या ना वाला जो डिसीजन है वो चूंकि नहीं दिया जा सकता था तो ये मुद्दा कब से उठा क्या क्या इसमें डिटेल्स थी वो सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें बेसिक जो पॉलिटिकल इशूज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज है वो आपको जरूर जानने हैं ठीक है चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब देखो इकोनोमी पर हम आते हैं और इसमें लिखा है आर्थिक और सामाजिक विकास सतत विकास अगर आप सिलेबस को डिकोड कर पाए सतत विकास से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है क्वेश्चन आया हुआ है आप देखिएगा देखिएगा जरूर देखो जो बातें मैं आपको बता रही हूं वो आपको अपने पी क्यू से रिलेट करनी है ठीक है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं दिखा सकती कुछ बाध्यताएं है हैं है ना सो so, समय की बेसिकली एक बैरियर है कि मैं पांच घंटे की क्लास नहीं ले रही हूं अभी सो so, यहां पर आपको याद रखना है फ्रेंड्स की मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ प्लीज इसको जरूर देखिएगा तो यहाँ पर देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें साथ ही जब हम एसडीजी जो गोल्स है इसकी बात करते हैं यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आए ठीक है गरीबी की बात करें समावेशन जनसांख्यिकी सामाजिक क्षेत्र में जो भी पहल की गई है यहाँ से काफी क्वेश्चन आप देखते हैं ठीक है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक्स सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स अब देखो डेमोग्राफिक्स की बात करें तो so, डेमोग्राफिक्स में आप देखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है जो यूथ है वह ज्यादा है है ना तो क्या हमें डेमोग्राफिक डिविडेंट क्या हम उस कंडीशन में नहीं है फिर डेमोग्राफिक डिविडेंट का मतलब क्या है अगर वो शब्द बार 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 आ रहा है है ना तो फिर आपको क्या करना है उस शब्द को इवन उसकी डेफिनेशन क्या है उसके कीवर्ड्स क्या है ये हमें जरूर समझना है अब नेक्स्ट देखो अब हम आते हैं एनवायरमेंट पर्यावरण पारिस्थितिकी ठीक है तो यहाँ पर जो इसके जनरल इश्यूज हैं जन देखिए आप याद रखिएगा साफ लिखा हुआ है यूपीएससी ने जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी ठीक है बायोडावर्सिटी क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको कोई यहां पर पर्यावरण विद नहीं बन जाना है जब यूपीएससी खुद इस बात को लिख रही है तो आप इसको समझो कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना है। ये नहीं कि आपने बस इसी में पूरी छूटेगा ऐसा नहीं रहा है, है, है जो संबंधित हो बेसिक टर्म से इंटरलिंक हो जो कि हमें हमें आता ना हो पॉसिबल है ना ऐसा तो यहाँ पर आपको अपना जो कॉस्ट बेनिफिट है वह जरूर देखना है कि हमें एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है लाइक मैं अभी मेन्स में आपसे बात करूंगी वर्ल्ड हिस्ट्री की तो

टॉपिक है वो तैयार करना है केवल दो साल पॉलिटी नहीं पढ़नी है आपने डिवाइड किया कि फिफ्टीन कि डेज आपको पॉलिटी पढ़नी है फिफ्टीन डेज जोग्राफी पढ़नी है आपको साइंस टेक के लिए भी टाइम देना है आपको करंट अफेयर के लिए भी टाइम देना है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना है आपको एथिक्स भी पढ़नी है तो यहाँ पर और सबसे अच्छी बात है करंट अफेयर से कोरिलेट करके सबको पढ़ना है तो यहां पर आप देखो पढ़ने के लिए बहुत है सो so, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपने चार किताबें पढ़ ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको जरूर करना है एंड लास्टली जनरल साइंस आप देखेंगे कि जनरल साइंस पे कैसे क्वेश्चन आ गए जैसे कि आप देखेंगे कि उत्तर अफ्तर दलपट से समटाइम्स क्वेश्चन आ गया ठीक है एंड इसके बाद इंद्रधनुष कैसे बन रहा है उसके उस प्रोसेस से क्वेश्चन आ गया ठीक है तो यहां पर जनरल साइंस में समटाइम्स आप देखेंगे इसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन आ जाता है ठीक है चलिए आगे चलते तो ये हमने यूपीएससी के पीटी में जो क्वेश्चन था जो सिलेबस था उसको हमने डिस्कस किया अब देखिए थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करती हूँ हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में जैसे हमने देखा कि और एन एवरेज 15 क्वेश्चन जो है वह आ रहे हैं ठीक है थीके? 13 में 15 आए थे एंड 22 में भी यहाँ पर 15 आ गए साथ ही देखो एनशियंट के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ कि एंशियंट के जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं सो so, फर्स्ट देखो प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्वेश्चन आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था रंगपुर से कनेक्ट करके अगर आपको याद हो तो है ना कि क्या रंगपुर जो है औरस पुत्र है इसको लेकर सो so, यहाँ पर आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या इसका कल्चर था क्या इसकी टाउन प्लानिंग थी क्या इसका ड्रेनेज सिस्टम था इस वक्त जो है वह कौन सी जो मुद्रा है जो मनी है वह यूज की जाती थी है ना वह किसकी बनी होती थी क्या इस वक्त जो टेराकोटा है या फिर जो बैलगाड़ी है उसके प्रमाण मिले अब देखना यहां पर आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष रूप से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आईवीसी के जो लोग हैं वह पहिए का आविष्कार कर चुके थे है ना क्या वह पहिए का आविष्कार कर चुके थे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो खिलौना है वो मिला था ठीक है जो कि बैलगाड़ी बनी हुई थी आप देखिए बैलगाड़ी में ऑब्वियसली बात है कि उसमें जो पहिया है वह लगा हुआ था तो यहाँ पर यूपीसी ने क्वेश्चन पूछ दिया अगर आप समाइम्स उस नॉलेज को क्लिक नहीं कर पाए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी आप आईवीसी पढ़ रहे हैं इसमें जो भी आपको चीजें मिल रही हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है और उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो भी ध्यान रखना है अब देखो ऋग्वेद की हम बात करें ऋग्वेद से क्वेश्चन आते हैं ठीक है उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक पीरियड था इस वक्त जो है किस तरह से कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी ठीक है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या वैदिक काल में जो समाज है आप देखेंगे कि फोर वर्ण में चार वर्ण में डिवाइड था और हर एक वर्ण का अलग अलग फंक्शन ऑफ सेट था अलग अलग वो कार्य किया करते थे ठीक है यहाँ पर भी कुछ टर्म से क्वेश्चन आ जाता है अब इससे ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं कितने मंडल है कितने सूक्त है कितने सूक किस मंडल में क्या लिखा है यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है ठीक है की चर्चा सबसे ज्यादा बार की गई है या आग वर्ड की चर्चा ज्यादा बार की गई है काफी क्वेश्चन से, हाँ से आए हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हमें नहीं भूलना है आपका क्या है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बौद्ध और जैन लगभग हर साल एवरी ईयर फ्रेंड्स एवरी ईयर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से जो क्वेश्चन है चाहे इसके लिटरेचर को लेकर हो चाहे इसके ओरिजन को लेकर हो चाहे इसे मानने वालों को लेकर हो काफी सारे जो क्वेश्चन है जैनिज्म एंड बौद्ध से है ना सो जैन और बौद्ध एक ऐसा टॉपिक है और में हर बार यहाँ से क्वेश्चन तो आपको इस टॉपिक को मिस नहीं करना है ठीक है इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है फिल्म में भी क्वेश्चन हर साल आता है चाहे आप महायान की बात कर ले बोधि सत्व की बात कर ले ठीक है आप देखेंगे लेटेस्टली पारमिता वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था जैन के लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको नंबर ऑफ ऐसे टॉपिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन पर जाते हैं तो जब हमें पता चल ही गया है कि जैन और बौद्ध जो है यहां से हर साल क्वेश्चन आ गया तो यहां से इसको आपको प्रिपेयर करना है अब देखो महाजन पद काल ठीक है जो महाजन पद काल है तो यहाँ पर महाजन पद का अर्थ क्या है टर्म सो so, देखो बेसिकली एंशियंट एंड मिडाइवल में आप देखेंगे कि एक ट्रेंड एक जो पैटर्न समझ में आता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है जैसे कि आ, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं ठीक है जैसे कि हुंडी वर्ड हुंडी जो है वह किस सव, क्यों यूज की जाती थी क्या है हुंडी वर्ड का मतलब है ना तो यहां पर इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि टर्म बेस्ड होंगे आप एनसीआरटी के लास्ट अगर दो तीन पेजेस आप देखेंगे वहां पर सभी वर्ड्स का जो मीनिंग है वह लिखा हुआ है आप उसे जरूर तैयार करेंगे ठीक है सो मौर्य काल पोस्ट मौर्य गुप्ता पीरियड अब देखो गुप्ता पीरियड में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है यहां से क्वेश्चन आया कई बार आता है गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्या इस वक्त जो है वह टेम्पल आर्किटेक्चर में इस वक्त क्या चेंज आया था क्या गुप्ता पीरियड से ही जो हिंदू टेम्पल है वह बनना शुरू हुए ठीक है इस तरह से क्वेश्चन तो यहाँ पर आप देखो एक आप संगम पीरियड की बात करें सो संगम का क्या रिसेंटली भी यहाँ से क्वेश्चन आया और लास्ट टाइम आई थिंक आप देखें पिछले दो से तीन साल में मेन्स में जो यहाँ से क्वेश्चन है ये भी पूछा गया मेन्स में भी संगम काल से क्वेश्चन आया है ठीक है तो यहाँ पर तो संगम पीरियड है ठीक है जैसे हम विजयनगर की बात करें सेम आप देखेंगे स्थापना किसने की थी किसने किया था तो यहां से काफी सारे जो क्वेश्चंस है वह पूछे जाते तो ये आपका एंशियंट था अब देखो यहाँ पर आप हिस्ट्री की अगर मैं की बात करूं, तो जो ओल्ड एनसीआरटीज है बहुत ज्यादा एनालिटिकल है एक बार इसको आपको ठीक तरीके से पढ़िए टाइम देके सेम मैं मिटाइवल की बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो रिसेंटली आप देखेंगे कि एक बंदरगाह के बारे में पूछा जो कि आपका पूर्व साइड था दक्षिण पूर्व है ना तो यहां से पूछा एक जो पोर्ट है उसका नाम लिखा हुआ था और उसमें यह पूछा था कि यह किससे संबंधित था तो ये ऐसे जो एकदम बेसिक से क्वेश्चन है ये सरल प्रकृति के एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और ये सिंपल क्वेश्चंस आपको इजीली आपके एनसीआर से सॉल्व हो जाते हैं सो so देखो मिडाइवल में जैसे चोला है ठीक है इवन साउथ इंडियन किंगडम्स की हम बात करें दिल्ली सल्तनत अब देखो दिल्ली दिल्ली सल्तनत की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था ठीक है जागीरदारी एंड जमींदारी इन दोनों में क्या डिफरेंस था एकता प्रणाली इस वक्त क्या थी जो एकता सिस्टम था वह क्या था ठीक है और इस वक्त जो है वह जो भी आर्किटेक्चर था वह किस सुल्तान के समय में कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वह सामने आती है कौन कौन से उसके बेसिक फीचर्स हैं जिसमें चेंजेस किया गया आप देखेंगे कि जब हम चलिए पहले हम आगे चलते हैं स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया अफगान राजपूत मुगल्स ठीक है मुगल्स में आप देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आया लेटेस्ट आप देखेंगे कि जो संत निम्बार्क थे क्या वह अकबर के समकालीन थे नहीं थे तो यहाँ पर बेसिकली और ये जो पैटर्न है ये जो ट्रेंड है पिछले दो तीन साल में ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं कौन किसके समकालीन था है ना तो यहाँ पर आपको ज़रूर देखना है कि, कि किसका जो टाइम पीरियड है वह सेम था कौन किसके काफ़ी आगे पीछे था बेसिकली यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे फ्रेंड्स उसमें उसके पीछे लॉजिक था ऐसा नहीं कि अब आपको सारे रटने बैठ जाने हैं किसका समय काल क्या था टाइम पीरियड क्या था यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड में मान लीजिए कोई आपसे एक पूछ लिया बारह सो शताब्दी की बात है ना और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जो कि 500 के आसपास था तो यहाँ पर इतना टाइम डिफरेंस समटाइम्स दिया जाता है कि अगर आप अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करेंगे तो उसमें एक ना एक सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाएगा जिसे एलिमिनेट करके आपका आंसर आ सकता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो स्मार्ट स्टडी है वह करनी है और स्मार्ट स्टडी में आपको क्या देखना है कि जो भी पैटर्न अब तक यू ने अपनाया आपको यह विश्वास रखना है कि आगे भी इस तरह से आ सकता है आगे भी इस तरह से आएगा और आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो प्रिपरेशन है वह कर लेनी है नेक्स्ट देखो कि मराठास की हम बात करें ठीक है अब देखो मराठास में आपने चौथ एंड सरदेश मुखी जो टैक्स है टैक्स सिस्टम से हर बार क्वेश्चन टैक्स से टाउन प्लानिंग से मनी से है ना तो यहां पर आप देखेंगे मराठा से क्वेश्चन आया मराठा में इनका जो विस्तार था वहां से काफी क्वेश्चन और साथ ही आप देखेंगे कि जो भी इस वक्त राजा थे उनका जो क्रम है वह क्या था वहां से क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर ठीक है इंपॉर्टेंट उसके अलावा जो क्षेत्रीय शक्तियों की हम बात करते हैं बंगाल है अवध है सिख है राजपूत है ठीक है जाट है बहमनी साम्राज्य है मैसूर है इन सबसे क्वेश्चन इनके क्या लोकेशन थी अब इस बार जो क्वेश्चन आया कि किस के नदी घाटी के आसपास नदी जो बेसिन है है ना रिवर बेसिन से जोड़कर क्वेश्चन आया हुआ था तो यहां पर आपको ये जो चीजें हैं ये जो टॉपिक्स है वह ठीक से याद रखना है नेक्स्ट चलते हैं अब देखो मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा बिकॉज ऑफ आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है है ना आर्ट एंड कल्चर से आप देखेंगे कि काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और इसके लिए सबसे बड़ी बड़ी बात है कि इसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वह आपके लिए ज्यादा है क्यों, क्योंकि आपको यहां पर एक एनसीआरटी पढ़नी है एल इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट फाइन आर्ट की एनसीआरटी है ठीक है और यहां पर आपको काफी सारे ऐसे टॉपिक्स जहां से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इजी होते हैं बहुत टफ नहीं होते ये आपके कवर हो जाएंगे तो यहां पर देखो आर्ट एंड कल्चर से मैं आपको कुछ ये जो पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं ना ये जो टॉपिक्स क्योंकि क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूं ऐसा पॉसिबल नहीं था कम समय में सो so, देखो यहाँ पर 2021 2021 में इन टॉपिक से क्वेश्चन आए जैसे कि चौसठ योगिनी टेम्पल के बारे में क्वेश्चन था ठीक है हिस्टोरिकल प्लेस और ये किसके लिए जाने जाते हैं लाइक like, जैसे बुरजो हम है ये किसके लिए जाना जा रहा है क्या रॉकट के लिए ठीक है ये क्वेश्चन है आंसर नहीं है ध्यान रखना तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन अजंता केव अजंता साची सूप अमरावती केव बाघ केव

अगर मान लीजिए ये फैक्ट आपको नहीं पता यूपीएससी ने पूछा कि केवल यही एक पर्टिकुलर मंदिर ऐसा था जो वृत्ताकार था गलत हो गया क्यों क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है और भी काफी मंदिर होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज थोड़ा सा अवेयर आप रहेंगे तो चार पांच क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको इस तरह के जो स्टेटमेंट है जो कि देखने में ही गलत लगते हैं आप उसको बहुत इजीली उसको हटा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो अजंता साची अमरावती पांडुलेना की गुफाएं किस किस समय काल में बनी जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो अजंता केव है इसकी ये जो पर्टिकुलर गुफाएं गुफा नंबर से पूछ लिया कि ये किस धर्म से संबंधित है हिंदू धर्म से जैन धर्म से बौद्ध धर्म से या फिर सभी धर्मों से संबंधित है है ना तो यहाँ पर ये सारी चीजें और देखो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यहाँ से क्वेश्चन पूछा अब देखो इसमें यूपीएससी ने लैंग्वेज डे जो है मातृभाषा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है इससे जो प्रश्न पूछा इसमें एक सेंटेंस आपसे पूछ लिया फर्स्ट तो इससे डायरेक्ट था सेकंड पूछ लिया कि पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इस भाषा को हाल ही में आ, टंग, आ, इसकी मांग की गई तो यहां पर इस तरह के जब हम फैक्ट देखते हैं तो वो आपसे नहीं बन रहे है ना तो इस तरह के रेंडम फैक्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है टर्म्स ऑफ आप देखो टर्म्स की बात करें जैसे लेटेस्ट पूछा था कि हल एंड जो कु है हो हल हुई एंड को कु है ना ये किससे संबंधित है रिसेंटली आप देखेंगे करंट अफेयर में जो चर्चा में थे और फिर उसका बेसिक पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है क्या है ये टर्म कोई आपका एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है कोई आपके जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उसके नाम है कोई कल्चर के नाम है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा एक बार कलारी पेयट्टू को लेकर है ना जो कि एक मार्शल आर्ट का टाइप है तो ये जो कलारी पेयट्टू है जो कि चर्चा में था करंट अफेयर से रेलिवेंस कर से आपसे पूछ लिया जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और पेटा के द्वारा जो जली कट्टू आप देखेंगे जो कि साउथ में आप देखेंगे कि जानवरों की लड़ाईया करवाई जाती हैं ठीक है थेके? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब उस पर बैन लगाया गया तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं वन के अब देखो ट्वेंटी में क्या पूछा कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया परी आ, परी परि का ठीक है का जो है श्रमण किससे संबंधित है महायान बुद्धिज्म देखो यहाँ से क्वेश्चन सरवार आते हैं ध्यान रखना

फिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अशोक के अभिलेख हैं जो इंस्क्रिप्शन है वह किस जगह पर लोकेटेड है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि, कि लोकेशन से कभी काफ़ी जो क्वेश्चन है वह आए हुए हैं ठीक है क्लियर है आप देखो <coughs> 19 में 19 में क्या आया कि जो रान्यो अशोका है किंग अशोका है किस अभिलेख में ये जो नाम है वह लिखा हुआ है आप देखो यहाँ पे अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन पूछा तो अशोक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है महायान बुद्धिज्म कल्याण मंडप किस किस समय बनना शुरू हुए आप कमेंट करके बताइएगा कल्याण मंडप तो आप देखेंगे कि एन में छोटा सा एक बॉक्स जो है वह बना हुआ है और यहाँ पर कल्याण मंडप की डिज़ाइन और उसके बारे में नोट है और ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो शायद आप कभी देख भी नहीं पाते कि अच्छा यहाँ पर ये यह लिखा हुआ था और कल्याण मंडप के लिए हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास जो सोर्स है वह ठीक नहीं है हम एक से दो सोर्स रख लें अपने लिए तो वो आपकी गलत स्ट्रैटेजी होगी ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सारे जो भी इतने टॉपिक्स आते हैं अभी तक पूछे गए हैं इन सभी क्वेश्चन में आपके एक दो ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं होंगे जो शायद आपसे सॉल्व ना हो सके एनसीआरटी पढ़ के ठीक है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसके अलावा आप नितिन सिंघानिया जो बुक है नितिन सिंघानिया बुक आर्ट एंड कल्चर की ठीक है आप उससे प्रिफर कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ सेलेक्टिव जो आपके चैप्टर्स है वही पढ़ने हैं सारी नहीं पढ़नी है ठीक है क्लियर है तो ये देखिए आप कार्टन एंड कल्चर अब रिसेंटली देखो यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक जगह आपको अशोक के जो मेजर रॉक जो अशोक के प्रमुख स्थान है ठीक है शिलालेख और जिस राज्य में वो है लोकेशन तो यहाँ पर ये जैसे धौली है इरागुडी है ठीक है तो ये सारी चीजें कल सी है कहाँ कहाँ स्थित है तो ये एक तरह आप से आपसे मैच पूछा हुआ था इसके अलावा देखो संगम लिटरेचर को लेके 2022 में क्वेश्चन आया सोमनाथ टेम्पल अब देखो सोमनाथ टेम्पल चूंकि हाल ही में आप देखेंगे कि आपका जो इस बार का एग्जाम था वह फाइव जून को था और आई थिंक अप्रैल मई के आसपास जो मोदी जी है उनके द्वारा सोमनाथ टेम्पल में एक इनोग्रेशन जो है उद्घाटन जो है वह किया गया था है ना तो यहाँ से क्वेश्चन आया तो चूंकि ये करंट अफेयर से संबंधित था तो आप लास्टली देखेंगे कि धौलावीरा का जो क्वेश्चन था वो भी रिसेंटली करंट अफेयर से आपसे बेसिक पूछ लिया जो कि करंट अफेयर में हाल ही में चर्चा था और ऐसे ही सोमनाथ टेंपल चूंकि मोदी जी ने यहां पर एक उद्घाटन किया था तो वहां से जो क्वेश्चन है आपसे बेसिक पूछ लिया गया तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि केवल आपको टॉपिक्स जानकर कि ये टॉपिक्स इन्हें पढ़ लेना करंट अफेयर्स जो रेलिवेंस है उसका एक बार आपको बेसिक से जरूर देखना है और एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उसमें पॉइंट्स भी लगाने हैं ठीक है ठीके? ये चीज याद रखना साइट ऑफ अशोक आपको दिखाया क्लियर हुआ तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया सो so, देखो यहां पर हमने पिछले चार सालों के जो टॉपिक्स हैं वो दिखाए और यहां पर मैंने आपको ये भी दिखाया कि आखिर जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जैसे कि आप देखेंगे कि इंडियन आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म में देखिए पेंटिंग्स मनी ठंडी से क्वेश्चन आया कि जो मनी ठंडी पेंटिंग है वह किस स्कूल से किस शैली में है यहाँ से क्वेश्चन आया डांस फॉर्म से क्वेश्चन आया कि जो क्लासिकल डांस है ठीक है या फिर अगर कोई क्लासिकल लैंग्वेज है तो उसको क्लासिकल कहने की क्या शर्तें हैं यहाँ से क्वेश्चन ठीक है आप फोक डांस की बात करेंगे जैसे कि आप क्लासिकल म्यूजिक मणिपुरी संकीर्तन से आई थिंक 1920 में क्वेश्चन आया और दैट टाइम मणिपुरी संकीर्तन को एक टैग दिया गया था वहां से इसलिए क्वेश्चन आ गया ठीक है तो यहां पर आप ड्रामा थिएटर की बात करें मार्शल आर्ट जैसे कि लास्ट मैंने बताया कि कलारी पेयट्टू से क्वेश्चन आया कि ये जो वर्ड है वह किससे संबंधित है क्लियर अब नेक्स्ट देखो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिए लिटरेचर और स्पेशली जब हम इसमें बात करते हैं पाली की प्राकृत की ठीक है जो आपके बौद्ध और जैन धर्म आप देखेंगे पाली और और प्राकृत भाषा में थे ये लिटरेचर लिटरेचर क्या इन का महत्व है इंडियन हिस्ट्री में ये आपका मेन्स में पूछ लिया तो मैं एक मेन्स का क्वेश्चन आपको दिखाती हूं देखो तो यहां पर आप देखेंगे कि ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है तो देखो एनालिसिस हमें ऐसे ही करना है कि हमने फिल्म का क्वेश्चन देख लिया मेंस का क्वेश्चन देख लिया एक आर्ट एंड कल्चर का और उसके बाद से हम ये हमें जो समझ आया कि आखिर हमारे जो सोर्स है वह क्या होने चाहिए हमें किस डेप्थ तक पढ़ना है कि हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बेसिकली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाना है आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है कि आप केवल आर्ट एंड कल्चर के लिए दस किताबें पढ़ो ध्यान रखना इस चीज का ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन आया यूपीएससी मेन्स में पाला जो पीरियड है पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया ठीक है तो यहां से ये यह क्वेश्चन आया तो यहाँ पर देखना कि जो आपके आपका जो साहित्य है जो लिटरेचर है काफी क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं पाली प्राकृत से क्वेश्चन आपका मेंस में आया यहाँ पर आप लिख लो कि 2020 में यहां से क्वेश्चन आया ठीक है तो यहां पर जब हम देविडियल लिटरेचर की बात करें मिजाइवल लिटरेचर की बात करें वुमेन पोएट्स ऑफ भक्ति तो देखो भक्ति काल से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 18 में क्वेश्चन आया था द भक्ति मूवमेंट रिसीव आर रिमार्केबल री द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्कस सो so, देखो यहां पर बेसिकली क्या किया आपको जो भक्ति मूवमेंट था और चैतन्य महाप्रभु है इन दोनों को आपको जोड़ लिया ठीक है इन दोनों को जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया डिस्कस तो so, यहाँ पर ये बातें आपको फ्रेंड से याद रखनी है कि जो क्वेश्चन है वह कहां, कहां से आ रहे हैं ट्रेंड इन मिडाइवल लिटरेचर मॉडर्न इंडिया इंडियन लिटरेचर ठीक है Indian, uh, Indian इसके अलावा देखो हड़पन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे तो इसमें हड़प्पन टेम्पल जो है इंपॉर्टेंट है केव ठीक है यूपीएससी ने इंडो इस्लामिक से भी क्वेश्चन पूछा है ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये टॉपिक्स बताऊंगी तो यहां पर देखो इंडो इस्लामिक की जो मेन फीचर्स है वह क्या है इंडो इस्लामिक में कौन कौन से टेम्पल या जो आर्किटेक्चर है वह डिजाइन किए गए वहां से क्वेश्चन ठीक है रॉक कट आर्किटेक्चर कोलोनियल आर्किटेक्चर द मॉडर्न पीरियड आप देखेंगे आपकी कलकत्ता का जो मदरसा है वह कैसे बना किसने बनाया यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा क्लियर चलिए तो ये आपका हो गया अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक्स आप देखेंगे तो शुरुआत हम करेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया भारत में जो अंग्रेजों का विस्तार था आप देखेंगे स्पेक्ट्रम जो है वह इसी क्रम में लिखा हुआ है ना इसी क्रम में है सारा तो देखो ब्रिटिश जो एक्सपेंशन था फिर आप देखेंगे कि जो 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 प्रशासन 1857 1857 के के पहले था और जो 1857 के बाद हुआ हुआ 58 से जो हुआ, से शुरू उस एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन ये आपके मॉडर्न का पार्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर जो आर्थिक नीतियां थी आर्थिक नीतियां में स्पेशली जब आप देखेंगे कि जो भू राजस्व पद्धति थी रैयतवाड़ी महालवाड़ी ठीक है तो महाल जमींदारी व्यवस्था जागीरदारी व्यवस्था इन सबसे क्वेश्चन ठेकेदारी व्यवस्था है ना तो ये सारे देखो सिस्टम ऑफ एक सब्सिडरी हम अलाइंस की बात करें यहाँ से क्वेश्चन तो जो भी नीति आती है 18 में क्वेश्चन आया हुआ था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की आखिर प्रभाव जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का वह क्या था यहां से क्वेश्चंस नेक्स्ट देखो द रिवोल्ट ऑफ 1857 काफी क्वेश्चन यहां से भी आए इवन इसमें आप देखेंगे कि करके कि कि करके आया पर है है सामने लिखा हुआ है कि ये किस state से जो नेतृत्व कर रहे थे है ना Administrative changes after 1857 तो पर पर ये दोनों points एक साथ ही कर लेना। यहाँ पर कर लेना मैं आपसे रही हूं। आपको याद रखना है कि आपको ये जो सारे फ्रेंड्स एक, एक बार सारे बच्चे नहीं करेंगे आई नो है ना मेहनत लगती है मेहनत वाला काम है पर मुझे ये उम्मीद है कि जो स्टूडेंट और जानना चाहते हैं खुद अपने लेवल पर देखो बिना सेल्फ स्टडी किए कुछ नहीं होता तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक गाइड के रूप में आपको जो टीचर्स हैं वह चीज़ों को समझ कर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन चीजें आपको खुद भी जाननी होगी कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वह कैसे आए सारा डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगी आर्ट एंड कल्चर का कर, कर दिया

हिंदी से इंग्लिश में बदल गई ताकि उन पर गवर्नमेंट जो है बैन ना लगाए ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है ठीक है तो यहाँ पर आपको जैसे हम एटीन की बात करें 2018 में वुड से क्वेश्चन पूछा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ठीक है बैथून स्कूल जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया फीमेल स्कूल से अब देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की जब हम बात करेंगे कि जो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार थे मेल्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है किसे सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों कहा गया केवल हम सोशल रिफॉर्म नहीं कह सकते थे ऐसा क्यों तो आप सभी को पता है कि चूंकि उस वक्त का जो समाज है धर्म पर आधारित था है ना चीजें वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था सारी चीजें इससे संबंधित तो जब तक उसमें सुधार नहीं होता तब तक सामाजिक सुधार नहीं होता तो यहां पर यूपीएससी ने आपसे में क्वेश्चन पूछ लिया फिल्म में क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आर्य समाज है ब्रह्म समाज है उसके कुछ फैक्ट आपसे पूछ लिए कौन सी पर्सनैलिटी उससे संबंधित थी वहां से क्वेश्चन पूछ लिया मेन्स में क्वेश्चन पूछा कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार था ये नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में इसका क्या नेचर था वही साउथ में इसका क्या नेचर था ठीक है आप देखेंगे कि केवल Uh, जो साउथ साउथ में इसका नेशन आप देखेंगे कि जैसे वीर शैववाद आया या फिर और भी जो वहां पर भक्ति मूवमेंट चल रहा था उसके दौरान जाति व्यवस्था को लेकर या फिर मंदिर प्रवेश में जो निम्न वर्ग था उसको लेकर काफ़ी आंदोलन चले वो सभी भक्ति मूवमेंट से संबंधित थे तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ नेचर है वो आपसे पूछ लिया फिल्म में आपसे पर्टिकुलर जो फैक्ट है कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है कोई पर्टिकुलर भक्ति मूवमेंट है वहां से क्वेश्चन आ गया निम्बकाचार से क्वेश्चन आ गया रामानुजाचार्य से क्वेश्चन आ गया उनका

चलिए आगे देखते हैं अब देखो ट्राइबल एंड अदर मूवमेंट्स जब हम किसान की बात करेंगे उल गुला और ये जो उल गुलान वर्ड है यूपीएससी ने पूछ लिया कि ये जो शब्द है वह किससे संबंधित है बिरसा मुंडा के विद्रोह से एक कोष्टक में छोटा सा वर्ड लिखा हुआ था उल गुला और अब आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए उस वो, आपको वो वर्ड नहीं मिल रहा है तब आपको ऐसे में बेसिक्स जो एन है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा एन की बात कर रही हो तो एक बात और बता दूँ कि आपको फर्स्ट नवंबर नवंबर से जो बुनियाद का बैच है वो लाया जा रहा है बुनियाद बैच में आपको हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ठीक है साइंस साइंस टेक इसका जो बेसिक है सारे एनसीआरटीज हम बहुत बेहतर तरीके से कवर करेंगे और सेम यही स्टाइल होगा मेरा पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी को कवर करने का कि आपको सारे जो पीवाई क्यूज है जो यूपीएससी का पैटर्न है जो ट्रेंड है आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन सभी को साथ में हम कवर करें एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ तो जब मैं भक्ति मूवमेंट पढ़ाऊंगी तब मैं उसका मेंस का क्वेश्चन जो है वह भी सॉल्व कर रही होंगी तो यहां पर एनसीआरटी को हमें लिंक करना है यूपीएससी के साथ क्योंकि एट द लास्ट आपको और मेंस में बना पाए तो तो ठीक है 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 आपका पढ़ना तो यहां पर friends, आपको उसको कैसे करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी डेवलपमेंट इन इंडिया आप देखेंगे लेकर से, से लेकर 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था वहां तक हर एक से क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है फोर्टी से आ चुका चाहे हम एटीन थर्टीन की बात कर लें पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लें मॉन्टेंग्यू चिम्सफोर्ड की बात कर लें पार्लियामेंट मिंटो सुधार की बात कर लें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर लें विश्वविद्यालय अधिनियम की बात कर लें जो कि आप एजुकेशन से भी जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर देखो कि आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी डेवलपमेंट था यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में कौन कौन सी जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपका द्वैध शासन व्यवस्था है वह कहाँ से शुरू हुई किस पर्टिकुलर एक्ट के बाद जो जनरल आपका था ठीक है का नाम चेंज होके क्या हुआ तो ये सारी जो बातें हैं कब गवर्नर जनरल था कब वाइस राय हुआ फिर कब गवर्नर जनरल हो गया आप देखेंगे कि तीन बार उसका जो नाम है वह बदलता है विमेन एक्ट में वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था फर्स्ट जो वाइस राय है वह कौन था क्लियर तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लियर तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात हो ही रही है तो मैं आपको पिछले चार जो साल है आपके नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए 19 से शुरू करते हैं 19 में देखो स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी आंदोलन क्या था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को लेकर और चार्टर एक्ट एटीन को लेकर ठीक है चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से आ गया अब ऐसे ही देखो कि आपका जो मॉन्टेंग्यू चैम्सफोर्ड है ये भी आप साथ में पढ़ते हैं 1990 यहां से क्वेश्चन आया 8 अगस्त 1942 की है की जब हम बात करेंगे इस डेट को क्या हुआ था यहाँ से क्वेश्चन आया क्वेश्चन सिंपल है टफ नहीं है सिंपल है क्वेश्चन ठीक है ध्यान रखना तो जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे इसकी लोकेशन थी इसने पहले कंपनी स्थापित की डचों ने कहा पहली फैक्ट्री स्थापित की? की उसको फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ गया तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको यही सारी जो चीजें हैं उसको नोट करके याद करना है सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम प्रोजन की जब हम बात करेंगे ये किससे संबंधित था ठीक है जब हम बैतून फीमेल स्कूल की बात करेंगे शाहनवाज देखो अभी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आ गया शाहनवाज खान है प्रेम कुमार सहगल है ये किससे संबंधित थे किस मूवमेंट से संबंधित थे क्लियर तो यहां पर ये आ गया अब देखो 2020 की बात करते हैं जो रुकमा बाई के किससे संबंधित था शिक्षा से बाल विवाह से सामाजिक सुधार से किससे संबंधित था है ना यहां से क्वेश्चन आ गया इंडिगो कल्टीवेशन जब हम नील की खेती की बात करते हैं कई बार यहां से दो से तीन बार नील की खेती से जो क्वेश्चन है वह आ चुका है ठीक है फोर्ट विलियम कॉलेज और उलगुलान ये देखो उलगुलान वर्ड आ गया ना उलगुलान से क्या समझते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चन देशेर कथा एंड गांधी इरविन पैक्ट

22 तो हम हाँ एप्रोक्स मान लेते चलो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वह हर साल पॉलिटी से आते हैं तो पॉलिटी से जो प्रश्न आए नंबर मैं आपको बताती हूँ कि इवन 18 uh, 19 में 2021 में चलिए 2021 की बात करती हूं इसमें से 18 में से आपके लगभग 14 जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे थे क्योंकि एनसीआर के मैं आई थिंक ये छः और सात बैच जो है वह मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर और इसी कारण मुझे याद है फ्रेंड्स ठीक है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हो कि मैम आपको कैसे बता तो यहाँ पर लाइन वाइज लाइन जो एनसीआर टीज है कहाँ किसका पार्ट जो है यूपीएससी ने पूछा है ये मुझे पता है बिकॉज ऑफ मैं हर एक क्लास में टॉपिक के साथ पीवाई डिस्कशन करती हूँ so, इस एटीन क्वेश्चन के साथ जब मैं आपको क्लास करवाऊंगी बुनियाद बैच में तब मैं आपको बताऊंगी कि इस एटीन में से आपके फोर्टीन जो क्वेश्चन है एनसीआरटी से, से डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि बेसिक ना पूछ के बहुत ज्यादा जो पॉलिटी में आप क्वेश्चन करंट अफेयर रेलिवेंट करके आ गया या फिर उस क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर Uh, जो स्टेटूटरी बॉडी है जो चर्चा में रही वहाँ से क्वेश्चन आ गया तब आपके जो प्रश्न है वह एनसीआर से नहीं लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन आया फेडरल की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया स्टेट की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है वहाँ से क्वेश्चन आया ठीक है तो ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होती है यहाँ से क्वेश्चन आया जुडिशरी का क्या मतलब है तो जब इस तरह के टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे तो वो आपके एनसीआर से सॉल्व हो जाते हैं और 18 में जो क्वेश्चन पेपर में पॉलिटिक का ट्रेंड था जो पैटर्न था ऐसा ही था ठीक है अब देखो 2021 में हम बात करें फेडरल से क्वेश्चन पूछा गया संघीय जो व्यवस्था है डिफाइन द टर्म ऑफ स्टेट स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से क्वेश्चन आया लिबरल डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी होता है यहाँ से क्वेश्चन आया राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्रॉपर्टी ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आया तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वह यहाँ से पूछेगा ठीक है तो पॉलिटी का बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे हिस्ट्री का किया चूँकि हिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इसमें जो चार आपके आर्ट एंड कल्चर एंशियट मिडाइवल एंड मॉडर्न पोर्शन है यहां पर हमने डिस्कशन ज्यादा किया है ना चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ी सी बात हम जोग्राफी की करें तो जोग्राफी में आप देखेंगे कि अगर हम फ्रेंड्स जोग्राफी के साथ इकोलॉजी एनवायरनमेंट को अगर हम जोड़ दें तो लगभग आपके थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन आ जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर 2013 के बाद जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है चूंकि ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने लगा सिविल सर्विस एग्जाम के साथ ही तो दैट्स इसका जो वेटेज है वह बढ़ गया तो इकोलॉजी एनवाइट एंड जोग्राफी अगर आप इस सेक्शन को ठीक तरीके से कवर करते हैं तो अप्रोक्स आप फिल्म में 35 फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन के आसपास आप सही कर सकते हैं ठीक है ठीके? इन दो पोर्शन से तो ये बात आपको याद रखनी है अब देखो कुछ मैं इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ ज्योग्रफी के कि जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि जब हम यहां पर इंडियन जोग्रफी की बात करते हैं ठीक है मैं कुछ बातें आपको यहां पर बताती हूं जब हम जोग्राफी में देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो देखो इंडियन जोग्राफी में आप देखेंगे कि हर साल आपको एटलीस्ट जो रिवर सिस्टम है यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी काफी क्वेश्चन आए और रिवर सिस्टम में फ्रेंड्स आपको इसका लोकेशन ठीक है इसका जो ओरिजिन है वह कहां पर है इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इसकी ट्रिब्यूट्रीज है ठीक है तो इसकी बाकी सहायक नदियां हैं वहां से काफी क्वेश्चन आता है इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है फिजिकल फीचर्स और यहां पर अगर मैं हिमालय का आपको एग्जाम्पल दू कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि आप देखेंगे आई थिंक नाइनटीन ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिमालय है वह कम से कम कितने राज्यों में फैला हुआ है कितने स्टेट में फैला हुआ है ठीक ऐसे ही आपसे पूछा था कि जो आपका वेस्टर्न घाट है ठीक है जो आपका क्या है कि जो आपका वेस्टर्न घाट है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है नंबर ऑफ स्टेट इसके कितने हैं तो आप जोड़ लीजिए यहाँ पर गोवा है भाई महाराष्ट्र है ठीक है आपका कर्नाटका है केरला है तमिलनाडु है कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन आया तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपके फिजिकल फीचर्स है काफी क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका क्लाइमेट है क्लाइमेट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वर्ल्ड का भी इंडिया का भी और क्लाइमेट के साथ अगर आपका जो एनवामेंट है इसको मैं जोड़ दूं तो एक क्वेश्चन हम यहां से ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था एक नेशनल पार्क के बारे में कि ये जो पार्क है इसका क्लाइमेट कैसा है इसकी जलवायु कैसी है ठीक है तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो, जो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट है ना तो एनवायरनमेंट जो है वह ओवरलेप किए होता है आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स को क्लियर अब देखो ज्योग्राफी में एक और इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है आई थिंक टू में एट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आए हुए थे तो एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे लास्ट फाइव ईयर का तो जो भी करंट अफेयर में जो भी करंट इश्यूज है जो भी कोई मान लीजिए रिपोर्ट्स आई हुई है ठीक है और इवन सर्वे में जैसे कि आप देखेंगे कि जो दाल का जहाँ पर दलहन जो क्षेत्र है वह कितना है यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है राइस को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है फसल पर्टिकुलर फसल जैसे कि कपास का कपास की जो खेती है उसके लिए क्या आदर्श दशाएं होती है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर में बायो बायोपचार का जो टर्म है जिस वक्त ये इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ से क्वेश्चन आया जिस वक्त आ, गवर्नमेंट के द्वारा नीम कोटेड जो यूरिया है इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि नीम कोटेड जो यूरिया है वह क्यों ज़्यादा सही है ज़्यादा बेनिफिट इसके क्या हैं है ना तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए पोर्शन है यहाँ से हर साल आपको जो क्वेश्चन है वह मिल जाते हैं तो आपका एक जो तरीका होना चाहिए एग्रीकल्चर को कवर करने का कि करंट इश्यूज में करंट अफेयर में एग्रीकल्चर में क्या नया नया जो परिवर्तन है जो नई तकनीक है वह आ रही है ठीक है जैसे कि रिसेंटली चर्चा में रहा कि जो धान की खेती है रिसेंटली आप देखेंगे कि, कि पंजाब में या फिर कई स्टेट के द्वारा करंट अफेयर में चर्चा में थी कि अब इसे दा... आप देखिए कि धान की खेती में क्या होता है कि पहले जो धान की बुवाई है जो पौध है उसकी वह लगाई जाती है प्लांटेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं छोटे छोटे उसके बाद फिर उन्हें लगाया जाता है खेत में लेकिन डायरेक्ट बीज से डायरेक्ट जो है डायरेक्ट सीड से इसकी जो खेती है वह पॉसिबल है और इसके लिए रिसेंट कई राज्यों ने इसके लिए कोशिश की तो अब यहाँ से को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो ये देखो कि एग्रीकल्चर में करंट अफेयर में जो भी स्कीम्स हैं ठीक है जो भी इसमें नए ट्रेंड हैं सभी स्प्रिंकल सिंचाई क्या है स्प्रिंकल सिंचाई क्या है गवर्नमेंट के द्वारा पानी बचाने को लेकर है ना काफी जो कोशिशें है वह की जा रही थी और वहां पर स्प्रिंकल सिंचाई की जो बात है वह की गई वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका मतलब जो है वह क्या है ठीक है क्लियर चलिए अब देखो थोड़ी सी जो चर्चा है वह हम कर लेते हैं वैसे तो बताने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है बट सारे वरना फिर आ, सभी को हमें भी बैलेंस बनाना है तो सारी चीजें नहीं बता सकती अब इकोनॉमी पर हम आते हैं तो so, देखो इकोनॉमी में आप देखेंगे कि ऑल एंड एवरेज यहां से भी आपको लगभग ट्वेंटी जो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं अगर हम फोर्टीन और ट्वेंटी वन की बात करें तो यहाँ पर छोड़कर बाकी आपको ट्वेंटी प्लस ही क्वेश्चन है इकोनॉमी है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आप इजीली एनसीआरटी से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं और इसमें आप देखेंगे कि आपका जैसे फर्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंसी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉवर्टी एजुकेशन सेक्टर ऑफ इकोनोमी एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कीम मनी बैंकिंग फाइनेंस देखो मनी बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे कि 15 से लेकर लगभग एक से दो प्रश्न मनी बैंकिंग से आते हैं और इसके साथ ही आर जो भी रेगुलेट कर रही है आर के क्या टूल्स हैं हाल ही में आर ने क्या जो नीतियां हैं पॉलिसीज है पॉलिसी वह बनाई है इसको लेकर काफी क्वेश्चन एंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट टैक्सेशन ब्लैक मनी फिजिकल पॉलिसी ब्लैक मनी से क्या मतलब है क्या अर्थ है सो so, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आ चुका टैक्सेशन में जब भी आप देखेंगे कि टैक्स में कुछ चेंज हुआ या फिर कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स जो है वह इंट्रोड्यूस हुआ या फिर वो जो है उसकी परसेंटेज चेंज हुई तो यहाँ से क्वेश्चन बजट बजट का जो आपका बेसिक पोर्शन है कितने प्रकार का बजट होता है कब कब इसमें चेंजेस हुए ठीक है uh, बजट के क्या टाइप्स ऑफ बजट है यहाँ से क्वेश्चन इसको करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन तो बजट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसके अलावा आप देखेंगे कि जो जी है ठीक है इन्फ्लेशन है अनएम्प्लॉयमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी वन की अगर बात करूँ तो इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड ईल्ड ठीक है जब गवर्नमेंट uh, के द्वारा जो बॉन्ड ईल्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ से क्वेश्चन आया जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब जो बैड बैंक्स हैं ठीक है बैड बैंक्स इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ से क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ जो बैंक है कि आ, अर्बन शहरी सहकारी बैंक है ना जब यहाँ पर हम अर्बन आ, जो आपके कॉपरेटिव बैंक्स हैं वो कौन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आया तो ये सारे आपको टॉपिक्स याद रखने हैं देखो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ मेंस नहीं है यहाँ यहाँ पे लिम्स अभी देखते हैं द इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इज नेसेसरी तो आप देखेंगे कि मुद्रा अवमूल्यन के बाद कौन सी चीज जो है वह अनिवार्य रूप से होगी यहाँ पर आपको वन टू थ्री करके पॉइंट दे दिया गया तो बेसिकली इकोनॉमी में जो आप जो पैटर्न देखते हैं जो ट्रेंड देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर अगर आर के द्वारा इस पर्टिकुलर नीति को अपनाया गया या फिर उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है है ना या फिर मार्केट में जो है वह मनी फ्लो करना है या फिर कम करना है बढ़ाना है तो इसके लिए कौन सी नीतियाँ अपनाएगा या फिर आरबीआई के द्वारा क्या क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा मुद्रा अवमूल्यन अगर हो गया है तो इसके बाद कौन सी ऐसी चीज है जो कि अनिवार्य रूप से होगी ही -हो होगी यानी इसके इम्पैक्ट क्या है ठीक है क्या इसके इंपैक्ट हैं यह वाली चीजें आपको देखनी है तो जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना तब इजीली आप इन चीजों को समझ पाते हैं ठीक है अब देखो जैसे कि हम बेसिक बात करें बेसिक जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि मांग जनित तो जो महंगाई है वह क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां से क्वेश्चन इकोनॉमिक रिसेशन आर्थिक मंदी के दौरान निम्न में से कौन से कदम उठाए जाने की संभावना है अब देखो यहाँ पर आर्थिक मंदी से प्रश्नों की कौन से कदम उठाए जाने की संभावना है यहाँ से आपसे पूछ लें कि मुद्रा अवमूल्यन के बाद कौन सी चीज़ अनिवार्य रूप से होगी तो एक बात जब आपने ये इनको दोनों क्वेश्चंस को देखा और अभी आप 2022 के भी जब क्वेश्चन देखेंगे सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है सेम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अवमूल्यन हो रहा है मुद्रा का या फिर मुद्रास्फीति हो रही है तो फिर इससे क्या असर होगा मार्केट पर क्या असर होगा लोगों पर अगर बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा आप देखेंगे कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है या फिर कम किया जा रहा है उसके क्या इम्पैक्ट होंगे तो यहां पर ये सारा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो यूपीएससी काफी पूछता है ठीक है तो यहां पर कुछ चर्चा हमने इसकी कर ली लाइक देखो अब मैं 2021 में एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन तो बताऊंगी कि आखिर अगर आप कहते हैं कि जो आरबीआई है या फिर वह क्या है बैंकों के लिए ऋणदाता है अंतिम ऋणदाता है तो अंतिम ऋणदाता हम उसको क्यों कह रहे हैं आपने आपने अगर आप नोट को आपने ठीक से देखा होगा उस पे लिखा रहता है कि मैं धारक को है ना जो भी व्यक्ति उस नोट के, नोट को लिए हुए है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन लेता हूं तो ये जो वहां पर लाइन लिखी हुई इसका क्या मतलब है ये यूपीएससी ने पूछा तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपको जो टर्म्स जो पैटर्न्स आपको पता है उसका बेसिक में जाके आप देखेंगे कि क्या उसका एप्लीकेशन पार्ट है अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ लिया आपको पता है कि भाई जो सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई वह बैंकों का बैंक है लेकिन क्यों क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसमें ऐसा कौन सा टर्म्स है तो चूकी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्परे क्राइसिस अगर कोई अस्थाई संकट होता है तो बैंकों को ये तरलता देता है सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो है वह बैंकों का बैंक है यार, तो बस इस तरह के टॉपिक्स आपको करने हैं अब नेक्स्ट मैं आपसे इन्वायमेंट एंड इकोलॉजी की बात करती हूं तो आपके फिल्म में देखो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है और आगे क्या लिखा हुआ दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस ठीक है तो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी है अब देखो मेंस में क्या लिखा है पेपर थ्री में आप देखेंगे जब जनरल स्टडीज जो आपके 250 मार्क्स का पेपर होता है इसमें आपको टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना होता है और इसी के साथ साथ आपका बायोडावर्सिटी एंड एनवायरमेंट जो है ये टॉपिक लिखा हुआ है ठीक है किसमें लिखा हुआ है यूपीएससी मेंस पार्ट थ्री में ठीक है सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी इसका पार्ट है तो अब यहां पर देखो कि बेसिकली अगर मैं आपसे यहां पर ये जो सिक्स टॉपिक्स है ये डिस्कस करूं है ना तो हम काफी चीजों को समझ पाएंगे लाइक इंटरनेशनल इनिशियटिव जैसे कि आप देखेंगे कि यूनेस्को या यूएनएफसीसी ठीक है या फिर आप यूएन या फिर नॉन यूएन जो बॉडीज हैं इनके द्वारा एनवायरमेंट को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस से क्वेश्चंस एनवायरमेंट में आते हैं नेशनल इनिशिएटिव राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि आप देखेंगे कि नेशनल सोलर मिशन है ठीक है नेशनल सोलर मिशन है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे यूपीएससी ने कुसुम योजना पूछी तो ये कुसुम योजना किससे संबंधित है एनवायरमेंटल थ्योरी लाइक इकोटोन क्या है ठीक है इकोटोन क्या है फुटप्रिंट का क्या मतलब है फुटप्रिंट का क्या मतलब है ठीक है इस तरह के आपके बेसिक पॉइंट्स टर्म्स पूछ लिए जाते हैं नेशनल पार्क रिजर्व कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन क्या है क्लाइमेट उसका क्या है वहाँ से कौन सा जो नदी है अगर बह रही है तो वहाँ से क्वेश्चन नेशनल किस नेशनल पार्क में कौन सी जो स्पीशीज़ है वह पाई जाएगी किस में टाइगर रिजर्व है किस में नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अगर कोई नया नेशनल पार्क आया है रिसेंटली घोषित हुआ है तो वो जो नेशनल पार्क है ठीक है उसकी क्या लोकेशन है क्या उसकी स्पेशलिटी है यहाँ से क्वेश्चन ठीक है जन अगर हम स्पीशीज़ की बात करें चाहे वह आप वेस्टर्न घाट में देखेंगे तो चाहे वह पौधों की प्रजातियां हो या फिर लंगूर हो ठीक है वहां से क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी अगर न्यू जो स्पीशीज है अगर वह इंट्रोड्यूस होती है वहां से क्वेश्चन आते हैं ठीक है केमिकल एंड पॉल्यूटेंट एक क्वेश्चन तो आपको यहां से आता है कि लाइक आपको कोई भी एक पॉल्यूटेंट लिख दिया और आपने देख लिया कि इसके जो इफेक्ट है इंपैक्ट है वह क्या क्या होते हैं वहां से क्वेश्चन तो यहां से जैसे कि कोई गैस के बारे में लिख दिया कि ये जो पर्टिकुलर गैस है ये किस किस चीज को अफेक्ट करेगी और आपको पांच सात ऐसे जो टॉपिक्स है वह दे दिए कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ठीक है या फिर पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है तो ये बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे केमिकल से एंड पॉल्यूटेंट से जो क्वेश्चन है हर साल एक या दो प्रश्न आ रहे हैं ठीक है लेकिन बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चन चलो तो साइंस टेक पे हमारी बात हो गई करंट अफेयर पर हमारी बात हो गई है ना थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे मेंस के जीएस पेपर की करती हूँ, ठीक है क्योंकि जा, बहुत ज्यादा जो चर्चा है वह पॉसिबल नहीं है तो आपको याद रखना है कि जब आप मेंस के जीएस पेपर की बात करेंगे तो इसमें आपके फोर पेपर ठीक है जीएस1 जीएस1 में आपका क्या-क्या आएगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हेरिटेज एंड कल्चर ठीक है एक पोर्शन ये हो गया हिस्ट्री जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी ये भी आपका इसमें आएगा तो अगर हम जीएस पेपर वन की बात करें यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है ठीक है जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर वन में सोसाइटी का कितना मार्क्स था मॉडर्न हिस्ट्री के से कितने मार्क्स का पूछा गया एंशियंट हिस्ट्री से कितने मार्क्स का पूछा गया तो यहां पर देखो जीएस पेपर वन की अगर हम बात करें मैं दो की आपसे बात करती हूँ फ्रेंड्स so 2022 में देखो 35 जो क्वेश्चन है 35 मार्क्स मार्क्स ठीक है ये है ये आपको पता है ढाई नंबर का होता है 250 मार्क्स का और इस 250 मार्क्स में से 35 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया समटाइम्स में डाइवर्स से नहीं आता है समटाइम ये क्वेश्चन आ भी जाता है 2022 में नहीं आया 21 में पूछा गया था ठीक है इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें छोड़ देना है तो so, आपको एक बैलेंस अप्रोच रखनी है अब देखो एनशियट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें यहाँ से फोर्टी नंबर का आया अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज इसका हो रहा है एनशियंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर यहाँ से आया वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आया अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना सिखाऊंगी सो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट लग रही है ठीक है और आपका जो बेनिफिट हो रहा है आपको जो इससे नंबर मार्क्स का बेनिफिट हो रहा है इसका एक जो बैलेंस है ये बना रहा ठीक है और आपका याद रखना कि ऐसा ना हो कि कॉस्ट आपकी जो है वह ज्यादा हो जाए कॉस्ट आपकी कम हो रही है बेनिफिट ज्यादा हो रहा है या फिर आपका जो बेनिफिट है वह बहुत कम हो रहा है और आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री के एक क्वेश्चन के लिए आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आपका टाइम बहुत ज्यादा ज़्यादा जा रहा है आप दो से तीन किताबें पढ़ रहे हैं और उसका जो बेनिफिट है वह कितना है टेन मार्क्स का है तो आप इस रेंडम टेन मार्क्स के लिए ठीक है लाइक आप देखेंगे कि ट्वेंटी ट्वेंटी नाइनटीन में आई थिंक एक अफ्रीका का जो कल्चर है वहां से क्वेश्चन पूछा वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व के इतिहास में अफ्रीका के कल्चर किसी से नहीं बनना था वो आपको अगर उसमें कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कभी कुछ सुना है देन लिख दो अदरवाइज ये आपको इतना जो आपका रिस्क एक रियलाइजेशन है आपको पता है कि इसमें रिस्क तो है लेकिन कितना रिस्क है केवल एक नंबर का रिस्क है या केवल एक क्वेश्चन का रिस्क है है ना तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो हमें हाँ यहां पर रिस्क नहीं लेना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे रिस्क नहीं लेना है क्योंकि आपको पता है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है जो टाइम आप यहाँ दे रहे हो वो टाइम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देना है वो आपको इकोनॉमी में देना है इकोनॉमी के उन टॉपिक्स पर जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको ठीक है सो यहाँ पर यह बात आपको याद रखनी है आप देखो सोसाइटी से 50 मार्क्स का आया जोग्रफी से 125 मार्क्स का आया ठीक है सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है अब देखो जोग्रफी में आगे मैं आपको बताऊंगी और भी विभिन्न क्लासेज में चूँकि यहाँ चर्चा उतनी पॉसिबल नहीं बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी ना तो so, यहाँ पर जोग्रफी में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया अब जोग्रफी में भी जैसे आप देखिए क्लाइमेट चेंज को लेकर जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करके पूछा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक है जैसे कि मैंने चक्रवातों की बात की कि बार बार जो साइक्लोन आ रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ रही है वहाँ से क्वेश्चन आना तो आपको रिसेंटली जो चक्रवात आए हुए हैं जो साइक्लोन आए हुए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करके और बता देना था कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो समुद्र का जल का जो तापमान है जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है है ना तो ये सारी बातें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्लियर ये टेबल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी आप देख लेना तो क्या मैं थोड़ा नाइन पेपर्स होते हैं तो ऑप्शनल का डिस्कशन हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज्यादा है ऑप्शनल आपका जो पर्टिकुलर आप रख रहे हैं वो आप उसका सिलेबस देख लीजिएगा अब हिंदी और इंग्लिश का जो आपका जनरल है जिसमें जो कि आपके क्वालिफाइंग नेचर के 300, 300 मार्क्स के होते हैं जिसमें कि आपको 75 मार्क्स जो है वह पासिंग मार्क्स एक क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं उसका भी सिलेबस डिस्कशन जो है वह जरूरी नहीं है वो आप देख लीजिएगा अब जो है वह हम क्या कर सकते हैं ऐसे का जो है वह कोई ऐसा सिलेबस है नहीं ऐसे आप देखेंगे कि करंट अफेयर के मुद्दे भी आते हैं 2022 में आप देखेंगे तो सारे आपको ऐसे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था आपको सारे अमूर्त विषय दे दिए गए है ना आपको ऐसे अमूर्त विषय दे दिए गए लाइक जिन्हें आप कहावतें या मुहावरों में सुनते हैं ठीक है तो इस तरह के टॉपिक्स आ गए आपको तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास एक तरीका है कि जो जी के पेपर आपके जीएस फोर है वन टू थ्री फोर हम उसका एक थोड़ा सा सिलेबस जो डिस्कशन है वह कर लेते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट को चीजें समझ आएगी तो जीएस के पेपर वन में आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडियन कल्चर ठीक है इंडियन कल्चर विल कवर द दिलियंट आस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट ऑफ मॉडर्न टाइम ठीक है तो यहाँ पर साहित्य और वास्तुकला के कुछ पहलू इंपॉर्टेंट हो गए ये आपका सिलेबस है अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ आपको सिलेबस को याद करना है ठीक है ये आपका होमवर्क है आज आपको इस स्लाइड से देख के आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगी उसको लिखो जो भी न्यू स्टूडेंट है मैं उनसे कह रही हूँ ये बात जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम है, सो so, यहाँ पर देखो जो न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिखना जैसे कि आप जब इसके पहले की क्लासेस में जब हम पढ़ाई करते थे तो सबसे पहले अब ये देखते थे कि अच्छा ये ये मुझे पढ़ना है है ना तो यहाँ पर भी आज आपको यही करना है थोड़ा सा पैटर्न देखो और रिसर्च करो पी देखो ठीक है याद रखना और ये सारा जो सिलेबस है उसको एक बार रिराइट करके याद जरूर करना उससे आपको ये याद रहता है कि अरे मैंने ये पढ़ लिया साहित्य तो और वास्तुकला ये तो मेरा छूट गया फिर से अरे मुझे इसे कवर करना है तो एक मन में ना आपके ये बात जरूर होनी चाहिए देन सेकेंड है इसमें अठारहवीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं व्यक्तित्व और विषय ठीक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ एटीन सेंचुरी अगर आपने सिलेबस किस इस लाइन को ठीक से पढ़ा है आप देखेंगे कि मेंस में स्पेशली मेंशन करके कि एटीन सेंचुरी में जो है वह सोसाइटी कैसी थी इस वक्त में सोशल रिफॉर्म्स कैसे हुए इस वक्त का जो आर्किटेक्चर है वह कैसा था तो स्पेशली एटीन नाइनटीन इवन नाइनटीन के फ़र्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ नाइनटीन के मिडिल में क्या हुआ इस तरह से पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के दौरान क्या घटनाएं हुई वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मेंस में अगर आप सिलेबस को ठीक से डिकोड करते हैं फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा जो हेल्प है वह मिल जाएगा तो देखो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि आपके दो बेस्ट फ्रेंड है एक ये है, है ना सिलेबस तो थोड़ा सा याद करो नेक्स्ट देखो स्वतंत्रता संग्राम और विभिन्न चरण देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व व्यक्ति और उनका योगदान तो देखो जैसे यहाँ पर विभिन्न भागों की बात की गई है तो भक्ति काल को स्पेशली मेंशन करके पूछ दिया नॉर्थ इंडिया से विभिन्न भागों की बात की बात गई ना डिवाइड किया गया ना सिलेबस में इस चीज को तो अगर आपने सिलेबस में इस भाग को आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसका योगदान यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि चैतन्य महाप्रभु का भक्ति काल में क्या योगदान था मीराबाई का क्या योगदान था सूरदास की अगर हम बात करें या फिर हम कबीर की बात करें तो कबीर के द्वारा कौन से ऐसे वैल्यूज है सामाजिक मूल्य थे जिसका खंडन किया गया था कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो उनके द्वारा दी गई थी तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपने सिलेबस देखा है फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री नेक्स्ट देखो फोर है ये इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना जो कंसोलिडेशन है एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री अब आप देखेंगे कि यहां पर आ, जैसे कि देश में जो 1947 के बाद विभिन्न राज्यों का बनना केंद्र का बनना किस तरह से एकीकरण के लिए जो काम है वह किया गया उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी यूपीएससी ने किस तरह से क्वेश्चन पूछे है यहाँ से तो इंपॉर्टेंट है ये कि देश के अंदर अगर हम एकीकरण की बात करें पुनर्गठन की बात करें री की बात करें है ना अब नेक्स्ट देखो पेपर वन जीएस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका विश्व का इतिहास आप देखो औद्योगिक क्रांति से क्वेश्चन पूछा पहले सिलेबस को हम पढ़ लेते हैं। एक बार हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम एटीन सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर ठीक है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज कोलोनाइजेशन ठीक है पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म कैपिटलिज्म सोशलिज्म ठीक है और इसका क्या जो है समाज पर प्रभाव था समाजवाद पूंजीवाद साम्यवाद उपनिवेश उपनिवेशवाद ठीक है ये वारिस पुनः सीमांकन क्या था औद्योगिक क्रांति क्या थी विश्व युद्ध क्या था यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ लिया भारतीय समाज की मुख्य विशेषता जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी से ट्वेंटी में वन मार्क्स का पूछा गया ठीक है और आप इसमें देखेंगे कि सोसाइटी में अब जैसे एक जो है वह प्रचलित था गिग इकॉनोमी ठीक है गिग इकोनोमी जैसे कि आपने वर्क फ्रॉम होम या जो पार्ट टाइम जॉब सुने होंगे कोविड में तो इस गिग इकोनोमी ने को जोड़कर पूछ लिया गया था महिलाओं से है ना तो सोसाइटी में आपको याद रखना है कि सोसाइटी में रिसेंटली क्या चेंजेस हो रहे हैं उससे किस वर्ग को ज्यादा प्रभाव किस वर्ग को पॉजिटिव या नेगेटिव जो प्रभाव है वह पड़ रहा है यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं भारत की विविधता तो बेसिकली आप देखेंगे करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा और अगर कोई आ, बहुत पुराना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह पूछ लिया तो आप देखेंगे कि आपका जो सोशलॉजी का एनसीईआरटी है जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी सी आर एक वीडियो होगा जिसने नहीं देखा आप प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो से आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ कब कब क्वेश्चन आएँ सारी चीजें पता चल जाएंगी महिलाओं की भूमिका महिलाओं का संगठन जनसंख्या से संबंधित मुद्दे गरीबी विकासात्मक विषय शहरीकरण उनकी समस्या उनके रक्ष उपाय देखो एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है शहरीकरण और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो यहाँ पर टू टाइम्स सेम क्वेश्चन आया एक बार पूछा कि जब आप गुड़गांव नोएडा इन सब में आप शहरी बाढ़ की बात करते हैं कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है कि शहरों में जो बाढ़ आ रही है ठीक है उसका क्या कारण है क्या कॉजेज है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है आप सेम अभी देखेंगे कि रिसेंटली वहां क्वेश्चन पूछा कि जो मिले जो हैदराबाद या पुणे जैसी सिटी है तो इन सिटीज़ में आखिर बाढ़ के क्या कारण है और क्या उपाय चूँकि बार बार आ रहा है ना तो करंट इश्यूज हो गया है ना तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो यहाँ से भी पूछा जा सकता है उसका मैनेजमेंट अगर आपसे पूछता है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछा जा सकता है तो चूंकि शहरीकरण है उनकी समस्याएं हैं ठीक है इनकी रक्षा उपाय यहाँ पर आप देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो भी इसमें ऐड हो सकता है तो यहाँ देखो कि महिलाओं जनसंख्या के क्या मुद्दे हैं ठीक है कि ये शहरीकरण की क्या आधुनिक समस्याएं हो सकती हैं ये सारी बातें रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन ठीक है एसोसिएट इशू पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज ऑर्गेनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर आर रेमेडीज अब देखो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो इंडिया पर क्या प्रभाव है ठीक है वैश्वीकरण का क्या भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है कैसे जो स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का हमारी फैमिली का किस तरह से आप पहले ज्वाइंट फैमिली थे आप न्यूक्लियर फैमिली में है और क्या जो प्रभाव है वे हुए क्या कल्चरल चेंजेस हुए वो सारी चीजें सामाजिक सशक्तिकरण संप्रदायवाद क्षेत्रवाद धर्मनिरपेक्षता शायद ही इसमें ऐसा कोई टर्म हो जहां से क्वेश्चन नाबू क्लियर आपको याद रखना है सोशल कम्युनलिज्म कम्युनलिज्मीजलाइज ठीक है यहाँ पर यह सारी। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य फिजिकल हैोग्राफी तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको याद रखना है कि सिलेबस में जो जो इवन जो जो इवन टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आपको जरूर याद रखने की अच्छा ये जो टॉपिक है मेरे सिलेबस में मैंशन है एंड मुझे कवर करना क्लियर विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या जिम्मेदार कारक हैं देखो यूपीएससी ने ये जो लाइन है ना ये उठा के सीधा पूछ लिया था कि अगर हम भारत की बात करें तो जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं वो किस आधार पर किए जा रहे हैं वहां पर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए किसी पर्टिकुलर उद्योग के लिए ठीक है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया क्लियर अब देखो नेक्स्ट इसमें है लास्ट है कि जब हम भूकंप सोनामी ज्वालामुखी हिलचल चक्रवात ये जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं अर्थक्वेक सोनामी वॉल्केनिक एक्टिविटी साइक्लोन देखो साइक्लोन से मैंने बताया ना कि क्यों इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है यहाँ से क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या लोकेशन है क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स क्या है इन सब जगह से क्वेश्चन ठीक है जब हम आइस कैप्स की बात करेंगे तो आखिर ये क्यों ग्लोबल वार्मिंग के इस पर क्या इफेक्ट है यहाँ से क्वेश्चंस? क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे कि ग्लेशियर्स के जो पिघलने की दर है वह बढ़ गई बहुत सारी ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं जो कि हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करती उनके क्या डेटा है ये सारी यूज़ करके ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं डेटा है वो यूज़ करके आपको लिखनी है ठीक है तो ये सारी बातें चलिए तो अब ये जीएस पेपर टू की हम बात करते हैं जिसमें कि आपको पॉलिटी गवर्नेंस आई को पढ़ना होता है ठीक है और इसमें अगर हम दो में देखें तो वन वन टेन मार्क्स का पॉलिटी एक मार्क्स का आपका गवर्नेंस आई 20 मार्क्स का ठीक है अब देखो इसपे और भी जो टॉपिक है वह सब टॉपिक में डिवाइड हो सकता है लेकिन चूंकि अभी हमें केवल सिलेबस पर ज्यादा फोकस करना है मेंस के क्वेश्चंस पर मैं बहुत फोकस नहीं कर रही हूँ अब देखते हैं हम कि जीएस पेपर टू में क्या क्या है शासन व्यवस्था है ठीक है गवर्नेंस है संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है शासन प्रणाली आपका जो पॉलिटिकल सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय अंतर्राष्ट्रीय संबंध आई तो यहां पर आपको इसमें क्या क्या मेंशन है कौन कौन से टॉपिक्स हैं सबसे फर्स्ट देखो भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास विशेषताएं संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान बुनियादी संरचना आपका एनसीआर से हो जाएगा ठीक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें अमेंडमेंट्स की बात करें प्रोविजंस की बात करें, करे, तो तो शक्ति और वित्त का क्या हस्तांतरण है इसके क्या चैलेंजेस हैं ठीक है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट इशू एंड चैलेंजेस तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखना है कि लोकल लेवल की बात करें या सेंट्रल लेवल की बात करें फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें जैसे कि आप देखते हैं कि योजना आयोग जो है वह अब इतिहास की बात हो गई अब नीति आयोग के एजेंडे आ गए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीति आयोग का जो फेडरलिज्म है नीति आयोग ने जिस कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात की वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि देखो फेडरलिज्म तो जो है संघवाद जो है वह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में है लेकिन करंट अफेयर में इसका क्या रिलेवेंस है वहां से क्वेश्चन पूछा कि नीति आयोग अगर कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है आपसे प्रिम्स में पूछ लिया और इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था कि इसमें और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ये आ, क्या अगर हम आ, योजना आयोग ने जो डेफिनेशन अपनाई थी संघवाद की फेडरलिज्म की वो ज्यादा बेहतर थी या नीति आयोग की ज्यादा बेहतर है क्लियर

तो यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि क्या भारत पे स्ट्रिक्ट रूप से कि एकदम कठोरता के साथ सेपरेशन ऑफ पावर है या फिर चेक एंड बैलेंस है तो अमेरिका में चूंकि स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर को लेकिन इंडिया में चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अपनाया गया है क्लियर भारत की संवैधानिक योजना है ना और अन्य देशों के साथ इसकी तुलना मान लीजिए ब्रिटेन के साथ जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके बीच में तुलना आपसे पूछ लिया इसका कंपेरिजन आपसे पूछ लिया अमेरिका की जो जुडिशरी है और इंडिया की जो जुडिशरी है इन दोनों के बीच में क्या कंपेरिजन है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया क्लियर ये बातें आपको याद रखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अब नेक्स्ट देखो संसद और राज्य विधायिकाएं संरचना कार्य कार्य संचालन शक्तियां विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय तो जो भी यहाँ पर इनसे संबंधित उत्पन्न यानी एक आपके लिए पॉइंट छोड़ दिया कि भाई करंट इश्यूज में जो भी आएंगे वो भी हम पूछ लेंगे है ना तो इस लाइन का यही अर्थ है याद रखना है आपको तो जो भी रिसेंटली आप देखते हैं कि पॉलिटी से रिलेटेड लेजिस्लेटिव से रिलेटेड या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है जैसे कि आप देखेंगे कि जो गवर्नर की शक्तियां हैं वो काफी विवादास्पद रहे कि गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर्स है और यहाँ पर जो मेन आप देखेंगे कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसको लेकर काफी डिस्प्यूट रहा कि यहाँ पर जो राज्यपाल है उसे बहुत ज़्यादा निष्पक्ष रहने की ज़रूरत है।, है ना तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया तो यहाँ आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट हो स्टेट लेजिस्लेचर हो इसका क्या स्ट्रक्चर है फंक्शन है क्या कंडक्ट ऑफ बिजनेस है पावर्स है प्रिवलेज है इशू है जो भी अराइजिंग हो रहे हैं वो सब आप कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या संरचना है स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप्स अब देखो प्रेशर ग्रुप्स से क्वेश्चन पूछा गया कि एक लोकतंत्र में जो प्रेशर ग्रुप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे कि भाई लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन है वह चल रहा है ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो मूवमेंट के द्वारा या फिर इस तरह के जो दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बनाए जा रहे हैं कि वे सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं तो आजकल जो नीतियाँ बन रही है वो क्या प्रेशर ग्रुप्स के प्रभाव में बन रही हैं क्या गवर्नमेंट को जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपके कृषि कानून आते हैं इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ इतने ज़्यादा जो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अपने जो वह अधिनियम थे जो बिल थे उनको निरस्त किया है ना उनको हटा दिया तो ये क्या था क्या ये प्रेशर था लोगों का प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर था तो इस तरह से एक लोकतंत्र में एक किस तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स है उनकी क्या भूमिका है यूपीएससी तो ने क्वेश्चन पूछा है इसको लेकर ठीक है तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इसकी क्या विशेषताएं हैं टैलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है आप इस बार का क्वेश्चन देखेंगे तो पीटी में काफी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि क्या योग्यताएं इसमें लिखी हुई हैं कि भाई कौन जो है वह हमारा कैंडिडेट होगा कौन उम्मीदवार होगा खड़ा होगा है ना साथ ही यहाँ पर और उनकी अयोग्यताएं कैसे निर्धारित होगी क्या उन्होंने दो वर्ष या पाँच वर्ष जेल में रहने पर वह चुनाव नहीं लड़ सकते मतदान नहीं दे सकते तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है फ्रेंड इसमें फिलिप से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना है कि जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो आप मेंस का जो सिलेबस है इसे देख के पहले तैयार करें बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस से आपके कवर हो जाते हैं आप फिल्म्स के लिए उनको नहीं पढ़ते हैं लेकिन अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन पहले की है तो फिल्म्स आपके लिए आसान हो जाएगा फिल्म एक बहुत बड़ी जो चैलेंज है वह बन चुका है मैंने बहुत सारे ऐसे अपने चारों तरफ लोग देखे हुए हैं जानने वाले लोग भी हैं जो सेलेक्टेड भी हो गए बट उनका फिर से जो फिल्म्स है वह नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फिल्म बहुत डायनेमिक हो गया है आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपको इसमें एक ट्रेंड का जो चेंज दिखाई देता है फिल्म में बहुत ज़्यादा है तो अगर आप खुद को सेफ रखना चाहते हैं तो दो चार पांच ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिल जाते हैं जो कि मेंस का अगर आपने सिलेबस तैयार किया है तो आपको यहाँ पर लीड मिल जाएगी क्लियर तो आपको ये जरूर करना है आगे देखो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां कार्य और उत्तरदायित्व मान लीजिए आपसे केवल जो मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य पूछ लिए रिसेंटली उसमें कुछ चेंजेस हुआ या फिर कोई रिपोर्ट आती है उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया ठीक है उसकी संरचना के बारे में प्रश्न पूछ लिया सो अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज इसके अलावा सरकारी जो नीतियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप है कार्यान्वयन है इससे उत्पन्न जो विषय हैं ठीक है गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज आर आउट ऑफ दर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एक प्रश्न जैसे पूछा गया एमपी लेट्स को लेकर क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड में जो एम पीट में ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम पूरा नाम है ठीक है ये कब से स्टार्ट हुआ आप देखेंगे कि कोविड 19 में इसको रोक दिया कि इसके अंतर्गत जो राशि मिलती है वो कोविड रिलैक्सेशन के लिए हम यूज करेंगे तो यहां से यूपीएससी ने पिलिम्स में ठीक है आप देखेंगे कि मनरेगा के लिए जो मनरेगा गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है एक्ट लाया जाता है आखिर उससे उस स्कीम से लोगों को क्या आ, फायदा होता है क्या नुकसान होता है अब देखे जैसे आयुष्मान भारत योजना है है ना तो यहाँ पर क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है या फिर विभिन्न क्षेत्रों की जब हम विकास की बात करेंगे तो यहाँ पर आ, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है वो वो आपसे पूछ लिया जाता है विकास प्रक्रिया विकास उद्योग गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा और स्वयं सहायता समूह से कैसे महिलाओं का डेवलपमेंट हुआ अब देखना एक ट्रेंड मैंने आपका गिग इकोनॉमी का बताया कि रिसेंटली जब कोविड नाइन्टीन में सब घर बैठ के काम कर रहे थे तो महिलाएं चूंकि उनके लिए एक चैलेंज होता है एक सुरक्षा को लेकर चैलेंज होता है और फैमिली जो है उनके लिए प्रायोरिटी है सो वह घर के बाहर जाकर काम नहीं कर पाती तो अगर आप देखते हैं कि घर बैठे काम अगर मिल जाए तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का जब कल्चर होगा तो ऐसे में महिलाएं ज़्यादा सशक्त हो जाती है क्योंकि वो काम कर सकती है उनके लिए वैसी कंडीशन मिल जाती है अब सेम वैसे देखो स्वयं सहायता समूह यूपीएससी तो ने इसको भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा महिलाओं कि क्या जो वुमेन्स है उनका सशक्तिकरण ज्यादा हुआ है स्वयं सहायता समूह से डेफिनेट है ना विभिन्न समूह संघ दानकर्ता लोकोपकारी संस्थाएं संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका रोल ऑफ एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन डोनर्स चैरिटीज इंस्टीट्यूशन अदर स्टेक होल्डर्स नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गो के लिए कल्याणकारी अति संवेदनशील वर्ग मान लीजिए विकलांगों के लिए पूछ लिया ठीक है दिव्यांगों के लिए पूछ लिया अब विकलांग जो वर्ड है दिव्यांग कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपको रखना है कि देखो गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांगों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें उनके विकास के लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए गए रिसेंटली आप देखेंगे कि जो वृद्ध uh, जन है ठीक है उनके लिए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली उनके मेंटल हेल्थ पर वर्क किया जा रहा है वो क्या हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर क्या है कि जो भी ऐसे वर्ग है जो भी वन लेबल है जो भी संवेदनशील है उनके लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है बच्चों की सुरक्षाओं के लिए क्या कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है विशाखा गाइडलाइन का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये सारी जो बातें हैं वह यूपीएससी के क्लियर देखते हैं अब देखो नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे इशू टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया मान लो कि जो भी हाल ही में स्वास्थ्य के मुद्दे हैं ठीक है जो भी हेल्थ इश्यूज है जैसे कोविड नाइनटीन में जो देश इस बात का एक हम कह सकते हैं कि उन्हें लगता था कि भाई भाई आ, और वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर वह नंबर वन है हेल्थ इश्यूज को लेकर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लेकिन जब कोविड नाइन्टीन आया तब उन्हें भी पता चल गया कि हमारे पास सफिशियंट नहीं है जो दिख रहा था वो है नहीं तो हेल्थ जो है वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी चुनौती बना तो ऐसे में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई गई इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए है ना तो ये जैसे कि अभी चल रहा है कि भाई जो हेल्थ है वो आपने यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से और अभी रिसेंटली मुद्दा चल रहा है कि हेल्थ जो है इसको हमें फंडामेंटल राइट right बनाना चाहिए तो क्या ये सही है या गलत है तो ये इससे रिलेटेड एक ऐसा इशू हो गया लिखा क्या लिखा है इससे संबंधित विषय तो जो भी करंट अफेयर में इस तरह के इश्यूज रेज हो रहे हैं उसको आपको करना तो एक मेंस फॉर्मेट में आपको चार पांच पॉइंट्स लिख के भूल जाना है मतलब तो रिविजन करते रहना है है ना तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हेल्थ को आकर फंडामेंटल राइट क्यों आप देखेंगे कि संसद टीवी या गवर्नमेंट के जो आप ए न्यूज सुनते होंगे नहीं सुनते हैं तो सुन लीजिएगा आप है ना आपसे अपनी आदत में डालो तो जो भी इस तरह के इशूज उठ रहे हैं उस तरह के इशूज को कवर करना है और एक आंसर के फॉर्म में कि क्यों इसकी मांग उठी क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ठीक है क्या इसके बाकी सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज हैं उन सब चीज को याद कर लिया नेक्स्ट इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर भारत जो है अभी भी क्या अगर हम एस डी की जो बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उससे रिलेट करके पॉवर्टी एंड जो हंगर है इसको पूछ लिया ठीक है सरकार के द्वारा क्या इसके लिए जो स्कीम्स है वह लाई जा रही हैं इस वर्ग के लिए कैसे इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन अब आ गए हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जैसे कि नागरिक चार्टर से क्वेश्चन पूछा है ना नागरिक चार्टर जो है वह क्या है कहाँ से इसकी बात शुरू होती है क्या इम्प्लीमेंटेशन है और क्या जो नागरिक चार्टर बैंक में लिखे होते हैं कि एक मिनट में पासबुक भर जाएगी दो मिनट में बैंक खाता खुल जाएगा तीस सेकेंड में आपका जो कैश है वह आपको मिल जाएगा तो क्या ये जो चार्टर वहां लिखा होता है क्या इसका पालन हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए इस चीज को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ई गवर्नेंस क्या है ठीक है ई गवर्नेंस क्या है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं मान लीजिए कोई पोर्टल आता है गवर्नमेंट का कोई पोर्टल आया किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेकर किसी विभाग के द्वारा किसी मिनिस्ट्री के द्वारा है ना तो इसकी इसकी चर्चा आपको करनी है पारदर्शिता जवाबदेही संस्थागत और अन्य उपाय ठीक है क्लियर है तो ये सारी बातें होंगे तो यहाँ पर जो भी गवर्नेंस के जो भी एस्पेक्ट्स हैं जो भी ट्रांसपेरेंसी है अकाउंटेबिलिटी है ई गवर्नेंस है जो भी नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ठीक है जैसे कि आप पेपरलेस कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं कि पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी तो ये सारी बातें हैं ना जो ट्रांसपेरेंसी के क्या इशू है गवर्नमेंट अकाउंटेबल होने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है इंस्टीट्यूशन की जो वैल्यूज़ है वह क्या होनी चाहिए तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो चीज़ें हैं सारी रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी अब सीधा का सीधा उठाया और यूपीएससी ने क्वेश्चन के रूप में रख के ये आपसे पूछ चुकी है कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है आप पढ़ते रहिए अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है और फिर आप पढ़ते रहिए पूरा कि कहाँ पर क्या है आप आप नहीं समझ पाएंगे बच्चों तो आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट बस जो है उसको कीजिए कीजिए अपने कि मुझे मुझे इस इस में में इसे इस टॉपिक को पढ़ना है 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 भले आप notes ना है, है, आप ना बनाएं लेकिन करना उसके notes बना ले, तो अपनी एक प्लान करनी क्लियर चलो इसके अलावा देखो आई की जब हम बात करते भारत और इसके पड़ोसी देश द्विपक्षीय क्षेत्र वैश्विक समूह भारत से संबंधित भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्या ऐसे विषय हैं कैसे इंटरेस्ट हैं ठीक है थीके? जो भी बायोलिट्रल इशूज़ हैं रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं एग्रीमेंट हैं इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट तो यहाँ से क्वेश्चन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन है ना जैसे मान लीजिए भारत और म्यांमार संबंधों की बात की गई भारत और नेपाल के संबंध पूछ लिए गए भारत और चीन के जो संबंध है वो पूछ लिए गए कि रिसेंटली आज की स्थिति में वह कहाँ पर है अगर सीमा विवाद चल रहे हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज जो है वह शामिल है ठीक है तो आई आर बेसिकली आपको करंट अफेयर से टच करके ज्यादा पढ़ने हैं भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देश की नीति राजनीति का प्रभाव और प्रवासी भारतीय प्रवासी भारतीयों को वोटिंग की बात की जा रही है कि जो इन्हें वोटिंग है वह दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए इसके अलावा अगर और भी कोई टर्म्स इनके लेकर आता है वहां से क्वेश्चन आया कोई नया एक्ट बना कोई नया बिल आया वहां से क्वेश्चन पूछ लिया ठीक है महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी संरचना है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट ठीक है क्लियर तो अब ये हो गया आपका पेपर टू तो इसी तरह से आपको जैसे मैंने आपको बताया जीएस पेपर वन टू थ्री फोर इसी तरह से आपको जो चीजें हैं वह आपको जीएस पेपर थ्री एंड फोर के भी जो सिलेबस है उसको देख लें ठीक है उसको भी आप सभी देख लेंगे ताकि आपका जो प्रॉपर एक टेन एनालिसिस है वह कंप्लीट हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा हर चीज को डिस्क्राइब करना बहुत डिटेल में पॉसिबल नहीं है सो तो इस वजह से हम आगे जो बुनियाद बेचे या और भी जो इस तरह के वीडियोस है उसमें हम आपको जो बाकी सिलेबस है बाकी इसको इसका पैटर्न है ट्रेंड है उसको हम डिस्कस तो सो बेसिकली दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपसे बात की कि जो पीटी का सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड था ठीक है मेंस के जो जीएस पेपर है उसका सिलेबस हमने देखा कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बने उस पर बात की आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या इसका ट्रेंड था करंट अफेयर का ठीक है मेंस के जीएस पेपर के क्या ट्रेंड और कुछ टॉपिक्स पर हमने चर्चा की सो बेसिकली यूपीएससी का जो पीटी का सिलेबस था ठीक है जी एस में क्या क्या लिखा है ये हमने देखा हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स थे लाइक जैसे जैनिज्म जर्निज्म बुद्धिज्म में पिलिम्स मीनस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पर हमने चर्चा की मिडाइवल में हमने देखा कि किस तरह से जैसे कि चाहे मुगल काल की बात कर लें डेली सल्तनत की बात कर लें चौलास की बात कर लें मराठा विजयनगर कैसे इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में हमने देखा कि कैसे नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी में टेंपल आर्किटेक्चर की बात हुई अजंता सांची स्तूप अमरावती यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं ठीक है ठीके? और क्वेश्चन का जो टाइप होता है उस पर भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी हमने बात की थोड़ा सा स्लेबस एंड बाकी सब देखा तो आई होप आपको ये जो क्लास है वह काफ़ी यूज़फुल होगी कि यूपीएससी जो है उसके स्लेबस से आपको कैसे समझना है कि उसका पैटर्न क्या है ट्रेंड क्या है स्लेबस आपको पूरा याद रखना है ठीक है सिलेबस पूरा याद रखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उस पर्टिकुलर सिलेबस से उसको लिख लो या याद कर लो तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि इवन आप जो युद्ध करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी एक रणनीति बना लें ठीक है तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए अगर आपको रणनीति बनानी है स्ट्रैटजीज़ बनानी है आपको सारा जो पैटर्न है वह देखते हुए पूरा एनालिसिस करते हुए सब्जेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए एक बैलेंस अप्रोच रखनी है तो उसके लिए आपको सलेबस को ज़रूर दे ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में तो जो भी स्टूडेंट नए हैं यूट्यूब चैनल पर वह सब्सक्राइब कर लें साथ ही आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए और जो भी आपके सुझाव हैं जो भी आपके आपको लगता है कि इसमें और जो है कैसे बेहतर हो सकता था वो आप कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए सो तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू थैंक यू सो मच